दक्षिण ने अभी तक अपने अंदर उठाए हजारों सवाल और शौक को बहुत ही मुश्किल से छुपा रखा था। वो सोच रहा था कि कैलाश मर चुका था और उसने खुद अपने हाथों से उसे जान से मारने के बाद अंधी खाई में धकेला था। वही अंधी खाई जहां से आदमी जिंदा वापस नहीं आ पाया था, तो मरे हुए कैलाश का वापस आना तो नामुमकिन था। फिर कैसे दक्षिण ने अपने बेटे और निकेत के बीच इस द्वंद को कल सुबह तय किया था। वो खुल के कैलाश के गुमशुदा होने की बात का जिक्र भी निकेत के सामने कर नहीं पा रहा था, जिससे निकेत को पता चल जाए कि दक्षिण ने कैलाश को जान से मार डाला था। दक्षिण को समझ नहीं आ रहा था कि वो बात की तह तक कैसे पहुंचे, पर अगर निकेत के ऑफर को देखा जाए तो उसमें दक्षिण को कोई खामी नहीं दिख रही थी। पावर मिलने के बाद जब अंगीरा पर राज करने लगेगा तो फिर निकेत को वो कभी भी अपने रास्ते से हटा सकता था और वो बिना लड़े ही अंगीरा का राजा बनने का मौका जाने भी नहीं देना चाहता था। इसलिए वो अपने कोतूहल को छुपाते हुए निकेत को देखकर स्माइल करता है और कहता है, ये देख के अच्छा लगा कि मेरे अंगीरा राज के सेकंड कमांड के पास पैसों के साथ दिमाग की भी कोई कमी नहीं है। मुझे तुम्हारा ऑफर मंजूर है, पर याद रहे अगर मुझे पता चला कि इसमें तुम्हारी कोई चाल है तो मैं तुम्हें जान से मारने में जरा भी वक्त नहीं लगाऊंगा। जितनी आसानी से तुम कैलाश को मार सकते हो उतनी ही आसानी से मैं तुम्हारी जान ले सकता हूं, यह बात कभी भूलना मत। तक्ष की बात से निकेत के चेहरे पे सुकून छा जाता है और वो भी तक्ष को देखकर स्माइल करते हुए कहता है, नहीं भूलूंगा। फिर तक्ष कहता है, तो जाओ कल उस नवजात कैलाश को अपने पैरों से मसल के मेरे राजा बनने का रास्ता साफ करो। निकेत खुशी से अपना सिर लाता है, जिसके बाद तक्ष अपने आप को रोक नहीं पाता है और अंत में पूछ बैठता है, पर तुम्हारा प्रतिद्वंदी कैलाश है कहां? तक्ष के सवाल को नॉर्मल क्यूरियोसिटी समझकर निकेत कहता है, आज उसे नीरा ने बड़े दरवाजे के पास ड्रॉप किया था, जिसके बाद पता नहीं कैलाश कहां गायब हो गया था। पूरे महीने में भगदड़ हो गई थी और नीरा ने आके तुम्हारे बीच हुए उस झगड़े के बारे में राजा को बता दिया, जिस वजह से आज महाराज अपनी सेना के साथ तुम पर आक्रमण करने निकल पड़े थे। पर इससे पहले कि हमारा काफिला बड़े दरवाजे से भाग जाता, ना जाने कैलाश वहां कहां से आ गया। उसकी हालत बहुत खराब थी, जैसे कहीं बहुत दूर से भागता हुआ आया हो। उसे तो ठीक करने के लिए शमन को बुलाया गया था, वो भी बहुत कमजोर है, उसे हराना मेरे बाएं हाथ के नाखून का काम है। तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम अंगीरा के राजा होगे और मैं तुम्हारा सेकंड इन कमांड। अच्छा, मुझे निकलना होगा। तक्ष निकेत की बात सुनता ही जाता है, उसकी आंखें मानो बर्फ हो चुकी थी। निकेत उसकी नजरों में धुंधला सा दिखाई पड़ रहा था, जो अब उसे जाता हुआ दिख रहा था। पर तक्ष के दिमाग में जो तूफान वाल मार रहा था, उसके सामने ये पूरा का पूरा आउट हाउस भी अगर उसकी नजर के सामने गिर जाए तो भी उसे फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसे निकेत की बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता था कि तक्ष के जानलेवा वार से कोई भी इंसान बच सके। यह बात उसके साथी भी जानते थे और इसलिए उसके कैलाश को मारने के पहले सभी कई कदम पीछे हट गए थे। वो जानते थे कि उस वार का इफेक्ट काफी दूर तक होता है, जिसकी चपेट में आ जाने से जान भी जा सकती थी। और तक्ष ने कैलाश के पेट में मारा था, उसका बचना नामुमकिन था। तक्ष तो ये मान के चल रहा था कि कैलाश की डेड बॉडी तो अब तक अंधी खाई में जल चुकी होगी। निकेत की बातों ने उसे निशब्द छोड़ दिया था। उस आउट हाउस में तक्ष के गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। उसके हाथ में फिर से वही आग जैसा इफेक्ट दिखने लगा था। वो खुद से गुस्से में कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, कैलाश कैसे अंधी खाई से वापस आ सकता है? ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये कैलाश तुम जिंदा नहीं बच सकते। ये चीखते हुए तक्ष अपने हाथ को सामने वाले दरवाजे पे दे मारता है, जिससे बहुत ही तेज आवाज होती है। निकेत अपनी गाड़ी ड्राइव करता हुआ थोड़ी ही दूर आया था, जब एक ब्लास्ट की आवाज उसके कानों तक पहुंची है। वो तुरंत ब्रेक मारता है और मोटर आउट हाउस की तरफ देखता है। उसे एक दरवाजा आग की लपटों के साथ हवा में उड़ा हुआ दिखाई पड़ता था। ये नजारा देखकर निकेत की आंखें बड़ी हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हुआ था, पर निकेत वापस जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वो आगे ड्राइव करता हुआ वहां से निकल जाता है। इधर कैलाश और नीरा बाइक प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। देखने में दोनों की स्पीड बहुत ही तेज होती है, पर कैलाश थका हुआ दिख रहा था, इसलिए नीरा बोलती है, कैलाश तुम आज कमजोर नहीं पड़ सकते, आज की याद तुम्हारे पास, कल तुम्हारे सामने मैं नहीं निकेत होगा। तुम अच्छी तरह जानते हो कि फाइटिंग में निकेत तुम्हारे साथ हमेशा कैसा बिहेव करता है, और कल तो वो उस चीज के लिए लड़ेगा जो तुमने उसे छीन रखी है। ऐसा मैं नहीं, वो मानता है, यू मस्ट डू मोर देन दिस। कैलाश अनइंटरेस्टेड सा लड़ाई की कोशिश करता है। नीरा देखती है कि उसके कहेगा कैलाश पर कोई असर नहीं हुआ था और वो अभी तलवार से बिना कोई खास शक्ति लगाए नीरा के अटैक्स को बस यूं ही आधे मन से डिफेंड कर रहा था। नीरा को कैलाश का एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आता है और वो बिजली की स्पीड से कैलाश के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। अपने ऊपर होते इस पैनी धार वाली जानलेवा बरसात के सामने कैलाश खुद को संभाल नहीं पाता और जमीन पर लड़खड़ाता हुआ गिर जाता है। नीरा के आखिरी अटैक में उसकी तलवार की नोक कैलाश की आंखों से 200 दूर आके रुक जाती है। अगर नीरा सांस भी लेती तो उसके मूवमेंट से वो नोक कैलाश की आंखों को भेज सकती थी। नीरा डिसअपॉइंट हो जाती है और गुस्से से अपनी तलवार पीछे करके दूर जाके एक पत्थर पर बैठ जाती है। कैलाश भी आहिस्ता आहिस्ता अपने आंख उठाता है और नीरा से थोड़ी दूरी बनाकर वो भी बैठ जाता है। अपना सिर जमीन की तरफ झुकाए कैलाश नीरा से कहता है, नीरा क्या तुम ऐसे किसी इंसान को जानती हो जो अंधी खाई से वापस आया हो? नीरा कैलाश की तरफ देखना अवॉइड करती है और अपना सर नाम हिलाते हुए कैलाश को एक शब्द में जवाब देती है, नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कैलाश के लिए कल सुबह की लड़ाई से ज्यादा जरूरी वो अंधी खाई है। कैलाश से खफा नीरा बस शांत बैठी रहती है। अगर दक्ष के बाद कैलाश को हारता देख किसी को दुख होता था तो वो नीरा ही थी और उसे पूरा अंदेशा था कि कल का दिन उसके लिए दुख भरा ही रहने वाला है। दोनों की नजरों से दूर खड़ा दक्ष कैलाश और नीरा को प्रैक्टिस करते हुए देख रहा था। उसने देख लिया था कि आज भी नीरा ही कैलाश पर भारी पड़ रही थी। अपने बेटे को जमीन पर पड़ा देखकर दक्ष के दिल के हजार टुकड़े हो चुके थे। शमन की कही बात से जो विश्वास उसके अंदर जागा था वो भी जमीन दोस्त हो चुका था। कैलाश की जीत की उम्मीद दक्ष की आंखों के सामने खत्म होती दिखाई दे रही थी। उसके अंदर अब और देख पाने की हिम्मत नहीं थी। दुखी होकर राजा दक्ष अपने सर को झुका के वापस अपने कमरे की ओर चलने लगता है। वो यही सोचता है कि शमन से कैलाश की योग शक्तियों को परखने में आखिर गलती कैसे हो गई। अब तो उसे अपने इस द्वंद के निर्णय पे भी अफसोस होने लगा था, पर वो जानता था कि अब तीर कमान से निकल चुका है। इसी सोच में चलता हुआ दक्ष अब अपने कमरे में आ चुका था। सुबह होने को कुछ देर रह गई थी और आज की रात नींद आने का तो सवाल खड़ा नहीं होता था। फिर भी थक कर राजा अपने बेड पर लेट जाता है और हतोत्साहित होकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। इधर कैलाश और नीरा अभी शांत थे। कैलाश अपनी सोच से बाहर आता है और दुखी मन से हंसता हुआ कहता है, आज से मैंने डैड को कभी खुशी नहीं दी। मुझसे जिस बात की उम्मीद करते रहे मैं कभी पूरी नहीं कर पाया। जो भी मेरे साथ हुआ मैं उसके लायक था, मरी जाना चाहिए था मुझे। इमोशन में बहकर कैलाश कुछ ऐसा बोल गया था जो नीरा ने सुन लिया था। वो तुरंत कैलाश से पूछती है, क्या हुआ तुम्हारे साथ कैलाश? कैलाश को सडनली अपनी गलती का एहसास हो जाता है और कुछ देर के लिए वो कुछ भी नहीं कहता। कैलाश को शांत देकर क्यों ये सोच की नीरा खड़ी होकर कैलाश के पास आ जाती है और कहती है, क्या हुआ तुम्हारे साथ कैलाश? कैलाश नीरा से नजर नहीं मिला पा रहा था। ये जानकर कि वो अब फंस गया था उसे कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा। वो अपना मायूस सा चेहरा लिए ऊपर नीरा की ओर देखकर कहता है, मेरा जॉब में सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं इंटरव्यू में फेल हो गया। नीरा को विश्वास नहीं होता है कि कैलाश के सामने इतना बड़ा मौका है और वो अपने उस छोटे से जॉब में सेलेक्ट नहीं होने से परेशान था। वो डांटते हुए कैलाश से कहती है, आई कांट बिलीव दिस कैलाश, क्या हो गया तुम्हें? अरे हु केयर्स, तुम्हें वो जॉब मिली कि नहीं? कल क्या होने वाला है तुम्हें जरा भी अंदाजा है? कल तुम मर भी सकते हो, ये सोचा है कभी?
अरे जितना तो दूर, तुम्हें देख के तो ऐसा लगता है कि तुमने शायद कल मरने की ठान रखी है। कैलाश गहरी सांस लेता हुआ अपनी आंखें बंद कर लेता है और अंदर ही अंदर शुक्र मनाता है कि वो इस बार तो सच बताने से बच गया था। नीला कैलाश को देखती है, उसे लगता है कि कैलाश लड़ाई के पहले ही हार मान चुका है। वो उसे प्रोत्साहित करती हुई कहती है, कैलाश सच बताऊं तो मैं भी जानती हूं कि कल तुम्हारा जीतना बहुत मुश्किल है। सरप्राइज कैलाश सवाल की नजर से नीला की तरफ देखता है। नीला कहती है, ओके ठीक है, नामुमकिन है, पर निकेत को हराने की कोशिश तो तुम कर ही सकते हो, आज तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट कहां है? कैलाश नीचे देखता है और मन ही मन मुस्कुराता हुआ उठकर नीला से कहता है, चलो मैं अभी नामुमकिन जीत के लिए प्रैक्टिस करने को तैयार हूं, थैंक्स टू माय डैड, कल मुझसे एक और पारी छीन जाएगी। नीला पूछती है, कौन सी पारी? कैलाश जवाब देता है, राजा दक्ष का बेटा होने की, कल से मैं सिर्फ दक्ष का बेटा खिलाऊंगा और राजा निकेत का कजन। नीला कैलाश हंसते हुए दोबारा प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। इस सेशन में कैलाश नीला की कई हर बात पर ध्यान देता है और नीला के कहे अनुसार ही उसके मूवमेंट्स भी होते हैं। उन दोनों की तलवारों के टकराने की आवाज दक्ष के कमरे तक आ रही थी। दक्ष की आंखें खुली और कान सचे थे, उसके चेहरे की उदासी अभी भी बनी हुई थी। ख्यालों में डूबा दक्ष सोचता है कि किस आपदा में उसने अपने बेटे को डाल दिया था, जिस बेचारे के पास मात्र इंसानी हथियारों का सहारा था उसे उसने जादुई शक्तियों वाले प्रतिद्वंदी के सामने लाके खड़ा कर दिया था। पता नहीं कल की सुबह क्या नजारा लेके आएगी। उनकी उम्मीद की छोटी सी कश्ती मायूसी के गहरे समुद्र के थपेड़ों को कैसे झेल पाएगी? क्या उस कश्ती का टूट जाना तय था या फिर दक्ष के जीवन में कल की सुबह वो नया उजाला लेके आएगी जिसकी ख्वाहिश उसने कैलाश से हमेशा से की थी? जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम के साथ। कल ही से राजा दक्ष के ऐलान के बाद शहर में सभी शहरवासियों को इतला कर दिया गया था कि कल की सुबह अंगीरा को उसका होने वाला नया राजा मिल जाएगा। इसका मतलब था कुछ समय के बाद राजा दक्ष अपनी राजगद्दी उसके लिए खाली कर देंगे जो कल के द्वंद्व में जीत हासिल करेगा। और जब इसके साथ दोनों प्रतिद्वंदियों का नाम घोषित किया जाता है तो लोगों को यह समझ आ जाता है कि उनका अगला राजा निकेत ही होने वाला है। सभी यह बात जानते थे कि कैलाश एक आम इंसान की शक्तियों वाला आदमी है और वो निकेत जैसे पावरफुल एडवांस लेवल के तरण योग वाले योद्धा के सामने टिक ही नहीं सकता। पर फिर भी सुबह होते ही हजारों लोगों का हुजूम शहर के विशाल स्टेडियम में वो फाइट देखने के लिए पहुंच रहा था। सूरज की पहली किरण से ही मल्लारी की सड़कें लोगों की भीड़ से खचाखच भरी हुई थी। सभी उत्सुकता से उस घड़ी का इंतजार कर रहे थे जब कैलाश और निकेत के बीच की फाइट शुरू होगी। मल्लारी के आसपास के कई इलाकों से भी लोग आए हुए थे और सभी अब उस स्टेडियम की ओर बढ़ रहे थे। आज शहर की हवाओं में किसी बहुत बड़े फेस्टिवल वाली स्पिरिट छाई हुई थी, पर ठीक उसके विपरीत महल में मानो मायूसी भरा आलम था। आज से ही महल पूरी तरह वीरान और उदास दिखाई पड़ रहा था। उसके लंबे कॉरिडोर, बड़े बड़े रूम्स, सभागृह, सभी कोनों में बस सन्नाटा छाया हुआ था, जिसका एक कारण यह भी था कि महल के लगभग सभी लोग आज के इवेंट की तैयारी में जुटे हुए थे, जिस वजह से वो सभी महल में नहीं बल्कि स्टेडियम में मौजूद थे। पर इस कारण के अलावा भी एक और वजह थी जो था हाई लेवल पॉलिटिक्स, जिसके चलते आज सभी इंपॉर्टेंट लोगों की भीड़ राजा दक्ष के महल में नहीं बल्कि उसी के पास के कई एकड़ में फैले निकेत के बंगले में जुटी हुई थी, ताकि सभी निकेत के यानी भावी राजा की गुड़बुक्स में आ सके। और इसीलिए वो सब वहां निकेत को जीत की शुभकामनाएं देने का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान वहां आता है राजा दक्ष का काफिला। सभी अचंभित हो जाते हैं जब राजा अपनी गाड़ी से उतरता है तो सभी का सिर शर्म से झुक जाता है। पर दक्ष उन्हें बिना कोई इंपॉर्टेंस दिए बंगले के अंदर चला जाता है। राजा जानता है कि ये पावर शिफ्टिंग का वक्त था और लोग अपनी वफादारी होने वाले राजा के सामने प्रूफ कर रहे थे, जो कि लाजमी था। बंगले के अंदर भी कई लोग मौजूद थे जो दक्ष के आते ही उसके रास्ते से हटते जा रहे थे। किसी की भी नजरें राजा दक्ष को नहीं देख पा रही थी। निकेत भी उन्हीं के बीच खड़ा किसी से बात कर रहा था कि तभी वो राजा दक्ष को अपने सामने पाता है। उसकी हंसी की मुद्रा तुरंत बदल जाती है और राजा का भाव निकेत के चेहरे पर दिखने लगता है। वो तुरंत आगे बढ़े राजा का अभिनंदन करता हुआ कहता है, महाराज आप यहाँ, मुझे बुला लिया होता। निकेत ने भी अपना सिर नीचे कर रखा था। दक्ष निकेत से कहता है, मुझे लगा था तुम लड़ाई की तैयारी में बिजी होगे, इसलिए सोचा मैं खुद तुम्हारे पास आकर बात कर लेता हूँ। कौन सी बात महाराज? चिंतित निकेत राजा दक्ष की तरफ देखता है। दक्ष कहता है, तुम्हें होने वाली लड़ाई की शुभकामना देनी थी। ये सुनते ही निकेत की जान में जान आती है और वो मुस्कुराता हुआ राजा से कहता है, बहुत बहुत आभार महाराज, आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलता महाराज, जो आपने मुझे इस लायक समझा। इस पर दक्ष कहता है, मुझे तुम्हारी काबिलियत पे कभी भी शक नहीं था निकेत, मुझे तुमसे कुछ और भी बात करनी है अकेले में। इतना कहकर राजा दक्ष रूम में भरी लोगों की भीड़ की तरफ देखता है और मिनटों में वहां से लोग ऐसे गायब होते हैं जैसे उन्हें उस कमरे में सांस लेने की भी इजाजत नहीं थी। सभी के चले जाने के बाद उस कमरे का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। राजा दक्ष और निकेत अकेले रह जाते हैं। निकेत को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी क्या बात रह गई थी जो राजा अकेले में बात करना चाहते थे। निकेत के पास उसके गार्ड भी नहीं थे, राजा चाहता तो अभी उसे खत्म कर सकता था, पर दक्ष ऐसा कोई वादा नहीं था। वो कहता है, निकेत आज मैं राजा दक्ष नहीं, एक पिता होने के नाते तुम्हारे सामने खड़ा हूं। दक्ष का हाथ अपने आप ही निकेत के सामने खुल जाता है और फिर धीरे से दक्ष अपने हाथों को निकेत के सामने जोड़ते हुए कहता है, कैलाश की शक्तियों की बात किसी से नहीं छुपी है, मैं भी जानता हूं कि तुम ही ये लड़ाई जीतोगे। अंगीरा का राजा होने के नाते मैं भी चाहता हूं कि जो भी लायक हो वो ही मेरी जगह ले, मेरी नजर में वो तुम ही हो, कैलाश नहीं। निकेत समझ नहीं पाता कि दक्ष आखिर कहना क्या चाह रहा था। वो पूछता है, महाराज फिर आप कहना चाहते हैं? तुम जानते हो कि कैलाश आसानी से हार मानने वाला लड़का नहीं है, तुमसे उम्र में बड़ा भी हो, मेरी तुमसे दरखास्त है कि तुम अपने बड़े भाई के प्रति लड़ाई के दौरान थोड़ा पेशेंस से काम लो, वो लड़ाई जीतने के लिए अपनी जान पर भी खेल जाएगा, तुम कोई ऐसी शक्ति प्रयोग में मत आना जो उसके लिए जान का खतरा खड़ा कर दे। दक्ष अभी भी अपने हाथ जोड़े निकेत के सामने खड़ा था। मेरी तुमसे बस यही विनती है, अपने राजा का इतना मान रख लेना निकेत, बस मैं इस उम्र में कैलाश को अपनी आंखों के सामने जाते नहीं देख सकता। निकेत आश्वासन देते हुए कहता है, महाराज जब आपने अपनी दिल की बात मुझे बता दी है तो मैं भी आपको आश्वासन देता हूँ कि मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि कैलाश को कुछ ना हो, पर मेरे लिए अंगीरा की सुरक्षा जरूरी है, इसका मतलब मेरा राजा बना सही होगा, लड़ाई अनंत नहीं सकती, किसी ना किसी को हार माननी पड़ेगी, पर कैलाश की जान लेने का मेरा कोई इरादा नहीं है, आप निश्चित रहें। कमजोर पिता की दरखास्त लेकर आया दक्ष बेहद शर्मिंदा महसूस कर रहा था, वो दुखी मन से अपना सिर हिलाता है और फिर कमरे से निकल जाता है। अब कमरे में अकेले खड़े निकेत की आंखों में घमंड के बादल उमड़ते साफ दिख रहे थे और उसी मूड में निकेत अपने आप से कहता है, शक्तियों का क्या है, वो तो कभी काबू में होती है और कभी नहीं, और जब सामने वाला कैलाश जितना जिद्दी हो तो फिर कुछ भी हो सकता है। इधर कैलाश मिरर के सामने पूरी तरह से तैयार हो चुका था। नीरा अभी भी उसके ही साथ थी। वो देखती है कैलाश अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था, उसे लगता है शायद उसे फाइट का बहुत ही ज्यादा प्रेशर है। कैलाश का मन भटकाने के लिए नीरा उसे कहती है, अरे तुमने मुझे बताया नहीं कि शहर कैसा है, तुम इंटरव्यू देने गए थे। कैलाश कहता है, शहर तो बहुत अच्छा है नीरा, पर मेरे पास घूमने का मौका नहीं था, हम चलते हैं वहां किसी दिन। हाँ जरूर चलेंगे, नीरा जवाब देती है और कमरे में दोबारा खामोशी छा जाती है। नीरा के पास भी अब कहने को कुछ बचा नहीं था, दोनों ने रात भर प्रैक्टिस कर ली थी जिसका कोई खास फायदा नहीं होने वाला था और नीरा ये बात जानती थी। अगर कोई एक बात नीरा के मन में उम्मीद जगा रही थी तो वो थी कैलाश का जिद्दी बिहेवियर। कैलाश आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था और वही बात उसे चिंता में भी डाल रही थी कि कहीं कैलाश की जीतने की जिद लड़ाई को किसी खतरनाक पड़ाव तक ना ले जाए।
कैलाश भी खामोश था। उसके मन में भी कई बातें चल रही थी, पर वो लड़ाई को लेकर नहीं थी। शायद निकेत से लड़ाई के मामले में कैलाश ने सीरियसली सोचा ही नहीं। नौकरम के साथ उसकी कुछ समय से कोई भी बात नहीं हुई थी। जब से लड़ाई का ऐलान हुआ था तब से ही नीरा ने उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की ओर डाइवर्ट कर दिया था, पर अब लड़ाई के ठीक कुछ वक्त पहले उसे थोड़ा समय मिला था। इसे कैलाश मन ही मन नौकरम से पूछता है, कहां हो तुम, इतने समय से कोई बात नहीं की उसे? कैलाश वेट करता है, पर नौकरम का कोई जवाब उसे सुनाई नहीं देता। कैलाश मुस्कुराता हुआ अपना सिर हिलाता है। उसके लिए ये लड़ाई जीतना इतना जरूरी नहीं था। वो अपने पिता की जगह लेना नहीं चाहता था, वो बस इतना चाहता था कि दक्षशिर उसकी वजह से नीचे ना हो, और आज की उसकी हार वही वजह बनने जा रही थी। स्टेडियम पूरी तरह भर चुका था, चारों तरफ बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी ताकि लोग अच्छे से देख सकें कि लड़ाई में कौन और कैसे जीत हासिल करता है। स्टेडियम के एक हिस्से में राजा दक्ष और उसके साथ बाकी सभी इंपॉर्टेंट लोग बैठे हुए थे। दक्ष के पास शमन भी मौजूद था। भीड़ का कोलाहल कान फाड़ देने वाला था, और इतने में निकेत का मैदान में आना उस भीड़ को और भी रोमांचित कर देता है, और सभी अपनी सीट छोड़ के जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, मानो अपने होने वाले राजा को प्रोत्साहित कर रहे हों। दक्ष भी अपने साथियों के साथ स्टेडियम में मौजूद था। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कैलाश जिंदा बच सकता है, अंधी खाई से वापस आ सकता है, और इसलिए वो सभी कैलाश को देखने वहां पहुंचे हुए थे। कमरे के अंदर भी भीड़ के चिल्लाने की आवाजें गूंज रही थी, जिसे सुनकर नीरा कैलाश से कहती है, कैलाश हमें चलना चाहिए। सोच में डूबा कैलाश अपना सिर हिलाता है, जिसके बाद कैलाश और नीरा वहां से निकल जाते हैं। बाहर लोगों का उत्साह पागलपन की हद तक पहुंच चुका था। सभी देखना चाहते थे कि कैलाश को कितनी आसानी से निकेत हराता है। सट्टा बाजार भी गर्म था, और बाजी हार जीत नहीं बल्कि समय की लग रही थी। इस बात पर शर्त लगाई जा रही थी कि कैलाश कितने वक्त तक निकेत जैसे फाइटर के सामने टिक पाएगा। कैलाश स्टेडियम में आता है, नीरा पीछे चली जाती है, और कैलाश अकेले मैदान में एंटर करता है। कैलाश एक बार मुड़कर नीरा की तरफ देखकर स्माइल करता है। नीरा की आंखों में दुख साफ दिख रहा था, फिर भी वो अपना हाथ ऊपर करके उसे बेस्ट ऑफ लक कहती है। इसके बाद कैलाश अपनी तलवार लहराता हुआ आगे बढ़ जाता है। कैलाश आते ही भीड़ बू बू की आवाजें निकालती है। कैलाश को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कैलाश को देख के तक्ष और उसके साथियों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तक्ष के पैर नीचे से जमीन खिसक चुकी थी, और वो अपनी सांसें रोके बस शॉक होकर कैलाश की तरफ देख रहा था। उसके साथी भी एक दूसरे को देखते हुए खुसर खुसर करने लगे थे, मानो कह रहे हूं कि तक्ष के उस वार से कैलाश नहीं मरा। निकेत नहीं था, मैदान के बीचों बीच खड़ा वार्म अप कर रहा था। वो घमंड भरी निगाहों से कैलाश को देखकर स्माइल करता है। कैलाश भी उसे कॉन्फिडेंटली देखता है। इतने में राजा दक्ष और शमन के मैदान में आने का ऐलान होता है, और दोनों योद्धा आसपास खड़े हो जाते हैं। राजा दक्ष और शमन सामने मैदान में आ जाते हैं, और दोनों से मिलने के लिए आगे बढ़ते हैं। निकेत राजा के आते ही अपने घुटने पर बैठ जाता है, और अपने सिर को भी नीचे कर लेता है। राजा आगे बढ़ के कैलाश के सामने आते हैं, और कैलाश भी ठीक निकेत की तरह अपने घुटनों के बल राजा के सामने झुक जाता है। राजा दक्ष दोनों योद्धाओं को आशीर्वाद देने के बाद लौटने लगते हैं। शमन भी उनके साथ वापस आने लगता है, और तभी शमन को चिंतित देख दक्ष उनसे कहता है, आपकी चिंता का कारण मैं जानता हूं, आपने कैलाश की शक्तियों का गलत आकलन किया था, वो आज भी मूल योग से आगे नहीं बढ़ा है। शमन राजा की तरफ देखते हुए कहता है, कल तक उसकी शक्ति एडवांस लेवल के कार्मिक योग की थी, आज वो गुरु योग में एंटर कर चुका है महाराज। शमन की बातों पर विश्वास कर पाना नामुमकिन था। क्या वाकई कैलाश की शक्तियां बढ़ रही थी? क्या कैलाश इस युद्ध में जीत हासिल कर पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम के साथ। दक्ष शमन की बातें सुनकर वहीं खड़ा रह जाता है, और आश्चर्य से कैलाश की तरफ देखता हुआ कहता है, मैंने ऐसी कोई बात नहीं देखी कैलाश के अंदर जो उसे गुरु योग में होने की तरफ इशारा करे। इस पर शमन अपना सिर झुकाए कहता है, मेरा तजुर्बा कुछ और ही बात बता रहा है महाराज, पर ये कैसे हो सकता है? पर प्रैक्टिस के दौरान ही नीरा के सामने कैलाश टिक नहीं पा रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। दक्ष शमन से कहता है, शमन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। थोड़ी देर बाद दक्ष वापस अपनी जगह पर आके बैठ जाता है, और सामने बैठी भीड़ की तरफ देखता है। स्टेडियम में बैठे लोग अब द्वंद्व शुरू होने का वेट कर रहे थे। दोनों योद्धा भी आमने सामने थे, और अब एक आदमी जो रेफरी की भूमिका निभाने वाला था वो उनके सामने आता है। स्टेडियम में लगी स्क्रीन पर कैलाश और निकेत की बड़ी बड़ी इमेजेस दिखाई दे रही होती हैं। मैदान में कैलाश और निकेत के पास खड़ा रेफरी कहता है, इस लड़ाई में कोई कानून नहीं होगा, हार जीत का फैसला या तो तुम दोनों में से किसी की मौत करेगी, या फिर मरने से पहले हारा हुआ योद्धा अपना सर का गार्ड यानी मुकुट खुद उतार कर अपनी हार का ऐलान करेगा। अगर लड़ाई के दौरान हेड गार्ड गिर जाए तो उसे हार नहीं मानी जाएगी। अब मैदान में सिर्फ तुम दोनों ही रहोगे, लड़ाई की शुरुआत एक साइरन से की जाएगी। ऐसा कहकर रेफरी मैदान छोड़ देता है। कैलाश और निकेत अब अकेले उस बड़े से मैदान में खड़े थे, उनकी आपस की बातें अब कोई भी नहीं सुन सकता था। निकेत जनता की तरफ अपने हाथ लाता है। निकेत के ऐसा करने से पूरे स्टेडियम में लोगों की आवाजें गूंज उठती है। साफ था कि जनता किसे अपना हीरो मानती थी। चिल्लाती हुई लोगों की भीड़ के बीच तक्ष अपनी सीट पर मौन धारण करके बैठा सारा वाक्या देख रहा था। उसके अंदर तूफान दमड़ रहा था। नीरा की जिद की वजह से कैलाश की पूरी बॉडी कवच से महफूज कर दी गई थी, और वो निकेत के सामने खड़ा उसे जनता का प्यार मिलते देख रहा था। नीरा दूर खड़ी सीधा कैलाश की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, और उसके दोनों हाथ आपस में जुड़े हुए थे, मानो वो प्रार्थना कर रही हो अनादि से कि बस किसी तरह कैलाश की जान बच जाए। मैदान में बिना किसी बॉडी वर्ग के निकेत कॉन्फिडेंटली कुछ कलाबाजियां दिखाता है, जिससे दर्शकों के बीच उत्साह और बढ़ जाता है। रेफरी एक बड़े से साइरन को अपने हाथों में लेता है, और फाइट शुरू करने की तैयारी करता है। रेफरी को लड़ाई के लिए तैयार होता देख स्टेडियम में आवाजें शांत होने लगती है। लोगों की धड़कनें अब तेज होने लगी थी, और तेज होती है राजा दक्ष की धड़कनें, जो अपने आप को कैलाश की हार के लिए तैयार कर चुका था। उधर रेफरी दक्ष के इशारे का इंतजार करते हुए उनकी दिशा में देख रहा था। अब कैलाश के सामने आ चुका निकेत कैलाश से कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, तुम्हारे डैड मेरे घर थे, तुम्हारी जान की भीख मांगे। ऐसा कहते हुए निकेत जोर जोर से कैलाश को चढ़ाता हुआ हंसने लगता है, और फिर आगे कहता है, मैंने दे दी उन्हें भीख में तुम्हारी जान। निकेत की बातों से कैलाश का खून उबलने लगता है। उसकी आंखें एकदम से गुस्से में लाल हो जाती है, और उसके अंदर एक अलग ही ऊर्जा का संचार होने लगता है। क्रोध में कैलाश यहां से दिखने लगती है। वहीं निकेत भी अब आक्रमण की मुद्रा में आ चुका था। दक्ष अपना सिर हिला के रेफरी की तरफ इशारा करता है, जिसके तुरंत बाद पूरे स्टेडियम में साइरन की आवाज गूंज उठती है। लड़ाई शुरू कर दी गई थी। कैलाश को गुस्से में लाल देखकर निकेत को तृप्ति मिलती है, पर वो देखता है कि कैलाश ने उस पर अभी तक अटैक नहीं किया था। पूरे स्टेडियम में अब निकेत का नाम गूंजने लगता है, पर कैलाश वहीं खड़ा निकेत पर अपनी आंखें गड़ाए उसे देख रहा होता है। निकेत जानता था कि उसके एक ही वार से कैलाश ध्वस्त हो जाएगा, पर वो वैसा करना नहीं चाहता था। वो कैलाश को पूरे शहर के सामने शर्मसार कर देना चाहता था। अपनी शक्तियों का प्रयोग न करते हुए निकेत आगे बढ़ता है, और पंच घुमाता हुआ कैलाश पर अटैक करता है। उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि किसी का भी बचाना मुश्किल था, पर निकेत का इतनी तेजी से कैलाश पर घुमाया पंच हवा में जाया हो जाता है। निकेत को विश्वास नहीं होता कि कैलाश उसके अटैक से बच गया। निकेत की नजर कैलाश को ढूंढती है, और उसे अपने ठीक पीछे खड़ा पाती है। निकेत का जाया गया पंच निकेत को गुस्से में लाता है, और वैसे ही झुका हुआ निकेत कैलाश को अपनी टांग से किक मारता है।
उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि बड़ी स्क्रीन पर भी लोग उसे ठीक से देख नहीं पाते। पर कैलाश जरा पीछे झुके अपने आप को निकेत की उस किक से बचा लेता है और निकेत का दूसरा वार भी खाली चला जाता है। बैलेंस बिगड़ने से निकेत लड़खड़ाता हुआ दो चार कदम पीछे हो जाता है। कैलाश फाइव में पूरी तरह से कंट्रोल में दिख रहा था, शांत पर क्रोध से भरा हुआ। उसे अभी भी निकेत की कई बात परेशान कर रही थी। निकेत अपने आप को संभालता है और कैलाश को देखता है। कैलाश उसके अटैक को पहले ही कैसे कर पा रहा था, यह अनयूजुअल था। निकेत का गुस्सा बहुत भर चुका था, वह अब धार के साथ दौड़ते हुए कैलाश के ऊपर अटैक कर देता है। और जैसे ही निकेत कैलाश के पास आता है, कैलाश मानो उसकी नजरों के सामने से गायब हो जाता है और निकेत को सेकंड के दसवें हिस्से में एक धक्का अपनी पीठ पे महसूस होता है, जिसके फोर्सफुल पुश से उसका चेहरा जमीन की धूल फांक रहा होता है। यह नजारा देखकर दर्शक देर में बैठी जनता की आह निकल जाती है। राजा दक्ष भी उत्साह से अपनी सीट से आगे खड़े हो जाते हैं। नीला को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता है, पर यह सब होता देखकर सिर्फ एक आदमी को जरा भी अचंभा नहीं हो रहा था और वो था तक्ष। जो शौक उसे कैलाश को महज जिंदा देख के पहुंचा था, उसके सामने कैलाश का निकेत को मैदान में बंदर बन के नचाना कोई बड़ी बात नहीं लग रही थी। इधर मैदान में निकेत वापस अपने पैरों पर खड़ा होता है। उसकी गहरी सांसों से उसकी चिड़ साफ समझ आ रही थी। इस बार उसके चेहरे पर बेतहाशा गुस्से के साथ कंफ्यूजन भी साफ दिखाई दे रहा था। वो गुस्से से अपने मुंह पे चिपकी धूल को अपने हाथों से हटाता है। कैलाश उसके सामने खड़ा उसे घूर रहा था। निकेत समझ आता है कि कैलाश को हराने के लिए और इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसे अपनी शक्तियों का ही सहारा लेना पड़ेगा। वो तैयार होता है और अपनी शक्तियां जागृत करने के लिए पोजीशन लेता है। पर जब वो आंखें खोलता है तो उसे कैलाश सिर्फ दो आंखें ही दिखती है। उसे समझ आता है कि जो कैलाश उसे कई फीट की दूरी पे था, वो अब जादुई रूप से उसे चिपका हुआ खड़ा था। निकेत को अचानक अपने हाथ जकड़े हुए लगते हैं। कैलाश निकेत के कानों में कहता है, जिसे तू राजा तक शहरा था वो राजा नहीं, किसी के पिता खड़े तेरे सामने, मेरे पिता खड़े तेरे सामने। निकेत अपनी पूरी ताकत लगा देता है पर वो अपने हाथ कैलाश के पंजों से छुड़ा नहीं पाता है। निकेत को कैलाश की लाल सुर्ख आंखों में एक अजीब सी आग जल्दी दिखाई देती है और उसे पसीने छूट जाते हैं। दूर खड़ी निया शहर की जनता की तरह अपनी नजरों पे भरोसा नहीं कर पाती है जब कैलाश निकेत को अपने दोनों हाथों से उठा के हवा में फेंक देता है। निकेत की बॉडी पास की दीवार पे जाके टकराती है, जिसकी कंपन ऊपर बैठे लोगों को भी महसूस होती है। कैलाश को तेजी से अपनी तरफ आता देखकर दर्द से कह रहा था निकेत समझ चुका था कि उसे युद्ध जीतने के लिए नहीं बल्कि एक बुरी हार की शर्मिंदगी से बचने के लिए लड़ना होगा। अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए वो कैलाश की तरफ एक आग का गोला फेंकता है, क्योंकि सीधा कैलाश की छाती पर जाके लगता है। राजा दक्ष देखते हैं कि कैलाश को निकेत ने गहरी जानलेवा चोट पहुंचा दी थी, पर उसके बाद भी कैलाश को सीधा खड़ा देखकर वो शॉक से निकेत कैलाश की छाती पर चोट का गहरा घाव देख पा रहा था। कैलाश अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है और निकेत की आंखों के सामने चोट का वो निशान गायब हो जाता है। जो कैलाश आज निकेत के सामने खड़ा था, उससे जीत पाना निकेत के बस की बात नहीं थी। पूरा स्टेडियम शांत हो चुका था। कैलाश निकेत को सारी जनता के सामने पीटता और घसीटता हुआ राजा दक्ष के सामने लाके खड़ा कर देता है। निकेत की हालत एक शेर के सामने मेमने के जैसी हो चुकी थी। उसका बड़ा भाई, जिसे उसने जीवन भर नीचा दिखाया था, उसे बेइज्जत किया था, आज वो उसके सामने शेर बनके खड़ा था। उन सारे अपमान और तिरस्कार का बदला कैलाश ने आज इस मैदान में पूरे शहर के सामने ले लिया था। राजा दक्ष को विश्वास नहीं था कि उनका बेटा इस लायक बन सकता है। कैलाश को अपने सामने खड़ा देखकर आज उनका सिर फक्र से ऊंचा हो चुका था। वो शमन की तरफ देखते हैं और शमन धीमी आवाज में कहता है, मैं अपने तजुर्बे से ही बता रहा था महाराज, मैं भी अचंभित हूं, पर सच आपके सामने है। अपना सिर झुकाए खड़ा निकेत बिना कुछ कहे अपना हेडगार्ड उतारकर अपनी हार का ऐलान कर देता है। कैलाश की पकड़ निकेत पर से ढीली होती है और निकेत उतारे हुए कपड़ों की तरह जमीन पर गिर जाता है। नीरा भी भागती हुई वहां पहुंच चुकी थी। कैलाश का यह अवतार देखकर नीरा भी डर गई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कल रात तक जो कैलाश एक तलवार ठीक से नहीं पड़ पा रहा था, आज अचानक वही कैलाश आखिर कैसे निकेत को मामूली बच्चे की तरह इस धुन में हरा सकता था। कैलाश की नजर नीरा पर पड़ती है। दोनों एक दूसरे को देख के खुश होते हैं। राजा दक्ष कैलाश के पास आकर उसे गले लगा के कहते हैं, कैलाश ये चमत्कार तुमने कैसे कर दिया, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? जो भी हो तुम्हें ऐसा देख के मुझे बहुत खुशी हुई है, अब मुझे अपने सिंहासन से हटने का कोई दुख नहीं होगा मेरे बेटे, मेरे कैलाश। और ऐसा कहते हुए दक्ष आगे बढ़ जाते हैं और माइक हाथ में लेकर जनता से रूबरू होते हुए कहते हैं, मेरे प्यारे देशवासियों, आज इस द्वंद्व में आप लोगों की उपस्थिति से एक अलग ही स्पिरिट थी। जब राजा दक्ष अपनी प्रजा से बातें कर रहा था, तभी नौकरम की आवाज कैलाश के मन में गूंजती है, तुम अपने पिता को कोई भी ऐलान करने से रुको, तुम्हें अंगीरा नहीं और भी बड़ी कामयाबी हासिल करनी है, अंगीरा की जिम्मेदारियों में दबकर तुम अपने पूरे पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाओगे। कैलाश नौकरम की आवाज सुनकर कैलाश को गुस्सा आता है और वो कहता है, तुम जब चाहो मुझसे बात करते हो और जब मुझे तुम्हारी जरूरत होती है तो तुम कहां रहते हो? नौकरम कहता है, कैलाश निकेत तुम्हारे लिए किसी भी प्रकार से खतरा नहीं बन सकता था, तुमने उस मगरमच्छ से लड़के जितनी मणि हासिल किए थे उससे तुम्हारी शक्ति निकेत से कहीं ज्यादा हो चुकी थी, तुम आज गुरु योग में एंटर कर चुके हो कैलाश, और तुमसे ज्यादा शक्तिशाली सिर्फ तुम्हारे पिता हैं जिन्हें तुम्हें अभी रोकना होगा। कैलाश पूछता है, पर मेरे पिता ने ऐलान कर दिया है और अगर मैं इस जिम्मेदारी को नहीं संभालूंगा तो फिर और कौन संभालेगा? नौकरम कहता है, कैलाश तुम्हारा कजन निकेत अब तुम्हारा वफादार कुत्ता बन के काम करेगा, उसके लिए अंगीरा की गद्दी से बढ़ के और कुछ नहीं, वो अब तुम्हें धोखा देने की नहीं सोच सकता, इसीलिए अभी तुम्हारा काम अपने पिता को रोकना है। क्या नौकरम की बातें मानकर कैलाश अपने पिता दक्ष को ऐलान करने से रोक देगा? अंगीरा साम्राज्य के राजा से बड़ी ऐसी कौन सी कामयाबी कैलाश का इंतजार कर रही थी? जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम के साथ। नौकरम का कहना है कि कैलाश के लिए अभी और कई रास्ते खुलने वाले हैं और अंगीरा का राजा बनके उसे अपने आप को रोकना नहीं है। उन संभावनाओं का अंत हो जाएगा जिन्हें फलित कर पाना शायद खुद दक्ष के लिए भी अब पॉसिबल नहीं था। लेकिन कैलाश को आज दक्ष की खुशी की कोई सीमा नहीं दिख रही थी और वो अपनी प्रजा के सामने ये ऐलान करने वाला था कि आज के बाद वो नहीं बल्कि कैलाश उनका राजा कहलाने का हकदार है। कैलाश से नौकरम कहता है, कैलाश तुम्हें अपने पिता को रोकना होगा, समय नहीं बचा है तुम्हारे पास, एक बार अगर दक्ष ने तुम्हारे राजा बनने का ऐलान कर दिया तो फिर उसे वापस ले पाना मुमकिन नहीं होगा। कैलाश के पिता दक्ष प्रजा के सामने वो मुख्य ऐलान करने ही जा रहे थे जब कैलाश अपने पिता के पास जाता है और उनके कंधे पर हाथ रखता है। कैलाश के स्पर्श से दक्ष चुप हो जाते हैं और पीछे देखते हैं। कैलाश उनसे कहता है, डैड मैं आपकी प्रजा से कुछ कहना चाहता हूँ। राजा दक्ष खुशी खुशी अपने बेटे को माइक दे देते हैं। अंगीरा की प्रजा कैलाश को अपने पिता से माइक लेते स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर देख रही थी। सभी शांत थे और उसे ध्यान से सुनना चाहते थे जिसने निकेत जैसे योद्धा को मामूली चूटी की तरह मसल दिया था, और ऐसा करने वाला कैलाश अब उनका होने वाला राजा था। वहीं कैलाश जिसके बारे में कल तक सभी मजाक किया करते थे, राजा का बेटा होने के बाद भी उसके आम इंसानों जैसा शक्तिहीन होने का मजाक उड़ाया जाता था, पर आज अचानक उन सबको कैलाश में वो राजा दिख रहा था जिसके सामने अब शायद उन्हें हमेशा सिर झुका के बात करनी होगी।
कैलाश माइक चेक करता है और सामने दिख रहे लोगों से भरे स्टेडियम से कहता है, मैं जानता हूं कि मुझे कल तक आप लोग अपने राजा के रूप में देखना पसंद नहीं करते थे और निखेत ही आप लोगों के लिए राजा बनने का असली हकदार था। आप लोगों की नजर में इस प्यारे से साम्राज्य का असली संरक्षक वही था। इसमें मैं आप लोगों की गलती नहीं मानता हूं और प्रजा का सामूहिक भाव ही अनादि की आज्ञा होती है। उनकी इच्छा होती है, मैं कौन होता हूं अनादि या अंगिरा की प्रजा की इच्छा के खिलाफ जाने वाला। कैलाश की बातें सुनकर राजा दक्ष सोच में पड़ जाते हैं। नीरा भी समझ नहीं पाती कि कैलाश आखिर क्या कहने जा रहा था, क्या था उसके मन में। पर कैलाश वहां रुका नहीं है और वो आगे कहता है, आज अचानक मेरा अवतार देख के आप लोग निर्णय नहीं ले पा रहे होंगे कि क्या ये वही कैलाश है जिसके पास कल तक कोई भी शक्ति नहीं थी। वो तो मूल योग में फंसा एक मामूली इंसान जैसा था जिसका सबसे बड़ा अचीवमेंट राजा दक्ष का बेटा होने की थी और ये किसी मायने में मुझे राजा बनने का हक नहीं देता। राजा होता है मेरे डैड जैसा जिसके होते अंगिरा की प्रजा के ऊपर कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता। हर वक्त जिसे अपने राज्य की प्रोग्रेस और खुशहाली की चिंता होती है, जिसके नाम से ही दुश्मन के पैर अंगिरा के रास्ते नहीं होते। मुझे अंगिरा को आप सभी को ऐसा ही राजा चाहिए। राजा दक्ष को कैलाश की बातें बहुत इंप्रेस करती है और ठीक वैसे ही अभी स्टेडियम में मौजूद भीड़ भी कैलाश की बातों पर हामी भरती नजर आती है। फिर कैलाश आगे कहता है, क्या आपको लगता है जिसे आप लोग अपना राजा मान रहे थे वो इस लायक है? क्या वो सक्षम है किसी भी आक्रमण से आप लोगों की और हमारे अंगिरा की रक्षा करने में? मैं समझता हूँ नहीं। और शायद इस लड़ाई के बाद आप लोगों का यही मानना होगा कि निखेत अभी भी राजा बनने के काबिल नहीं है और मैं अपने आप को भी इस काबिल नहीं समझता। अगर हम आज की बात करें तो पूरे अंगिरा साम्राज्य में राजा दक्ष की जगह अगर कोई ले सकता है तो वो है स्वयं राजा दक्ष, दूसरा और कोई नहीं। कैलाश ऐसा कहते ही दर्शक दीदा से तालियों की तेज गड़गड़ाहट पूरे स्टेडियम में गूंज उठी है। नीरा अपने चेहरे के सरप्राइज को छुपा नहीं पाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कैलाश इतना अच्छा पब्लिक स्पीकर भी हो सकता है। हमेशा शांत और अपने में रहने वाला कैलाश आज हजारों की भीड़ के सामने खड़े होकर जो कह रहा था उस पर पूरी भीड़ न सिर्फ हामी भर रही थी बल्कि उत्साहित होकर तालियां बजा रही थी और कैलाश द्वारा भरे जोश की वजह से वही जनता धीरे धीरे दक्ष के नाम के नारे लगाने लगती है। राजा दक्ष का सीना भी गर्व से चौड़ा हो चुका था। कैलाश अपने पिता के पास आता है और माइक बंद करके कहता है, डैड अंगिरा को संभालना मेरे बस की बात नहीं, ये काम आप ही कीजिए। राजा दक्ष कुछ कहते नहीं है, बस कैलाश को गले लगा लेते हैं। स्क्रीन पर दिखता बाप बेटे का यह मिलन प्रजा के दिलों में हर्षोल्लास से भर देता है। पर वहीं बैठे तक्ष और उसके साथी किसी आड़ में अपनी सीट पर बैठे रह जाते हैं। तक्ष देखता है कि अब उसके ही साथी उसकी काबिलियत पर शक कर रहे थे। उन्हें लगने लगा था कि कैलाश के ऊपर उसका जानलेवा पंच भी असर नहीं कर पाया था। उसकी हालत उस भेड़िए जैसी हो चुकी थी जिसकी लीडरशिप बहुत ही जल्द खतरे में आने वाली थी। तक्ष को कुछ ना कुछ करना होगा, उसे कैलाश को फिर से मारना होगा ताकि अंगिरा का राजा कैलाश नहीं वो बन सके। गुस्से में डूबा तक्ष खड़ा होकर लोगों को धक्का देते हुए वहां से निकल जाता है। उसके पीछे पीछे उसके साथी भी वहां से चले जाते हैं। शाम का सूरज डूबने वाला था और एक बड़ी झील में मानो कोई आग का गोला ठंडा हो रहा हो, ऐसा नजारा कैलाश की आंखों के सामने था। कैलाश अकेले वहां बैठा आज दिन भर के इंसिडेंट को याद कर रहा था। जिसने गेट को हरा पाना बस उसके लिए सामने जैसा था, आज कैलाश ने उसे हरा दिया था। कल तक जो नामुमकिन था वही काम आज बड़ा ही मामूली लग रहा था और ये सब उस इंसिडेंट की वजह से हुआ था जब तक्ष और उसके गुंडों ने उसे मारने के बाद अंधिखाई में धकेल दिया था जहां उसे नौकरी मिला और आज कैलाश वो सब कर पा रहा था जिसके वो सिर्फ सपने देखा करता था। कैलाश के मन में सवाल उठता है कि और क्या क्या उसके लिए नामुमकिन है। उसे नौकरी की आवाज आती है, कैलाश तुम्हारे लिए नियति ने कुछ ऐसा सोच रखा है जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। नौकरी की आवाज आते ही कैलाश कह उठता है, ओ तो तुम अभी उससे बात करने के मूड में हो लकीनी। नौकरी कैलाश से कहता है, कैलाश मुझसे बात कर पाना और ना कर पाना सिर्फ तुम पर निर्भर करता है, इस पर मेरा कोई बस नहीं। इस पर कैलाश कहता है, मुझे ऐसा क्यों लगा कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि जहां तक मुझे याद है कल शाम से मैंने तुमसे कितनी बार बात करने की कोशिश की पर मुझे तो तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दी। नौकरी की आवाज कैलाश को बताती है, कैलाश इससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं कि तुमने कल मुझसे बात करने की कोशिश की, पर तुम्हें यहां कुछ समझना होगा। निकेत के साथ फाइट की वजह से कल से तुम साइकोलॉजिकली काफी ज्यादा डिस्टर्ब थे, तुम्हारा मन शांत नहीं था और ऐसे में मैं तुमसे सिर्फ अत्यंत जरूरी परिस्थिति में ही बात कर पाऊंगा। पर हाँ, कंडीशन चाहे जो भी हो, अगर तुम अपने आप को शांत रखना सीख जाओगे तो फिर तुम मुझसे कभी भी बात कर सकते हो। नौकरम की कही बात कैलाश समझ ही रहा था कि तभी नौकरम आगे कहता है, कैलाश अपने आप को हर सिचुएशन में शांत रखने की काबिलियत तुम्हें खुद अपने अंदर लानी होगी, इसमें मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा। कैलाश नौकरम से पूछा है, मुझे तुम पर भरोसा होने लगा है और मुझे याद है जब तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे अनादि बना सकते हो, तो क्या सही में तुम मुझे वैसा बना सकते हो? नौकरम कहता है, हाँ। नौकरम की बस हाँ इतने बड़े सवाल का जवाब नहीं हो सकती थी, इससे तो और कई सवाल कैलाश के मन में पैदा हो रहे थे। कैलाश कुछ देर वेट करता है नौकरम के कुछ और कहने का, पर नौकरम शांत था, इसलिए कैलाश पूछता है, क्या करना होगा मुझे अनादि बनने के लिए? अनादि कहने मात्र से लोगों के मन में एक साथ कई भावनाएं जाग उठी थी और कैलाश ने खुद अनादि बनने का सवाल किया था। उसके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी और अंदर से वो बहुत ज्यादा एंग्शियस हो रहा था। वो नौकरम के जवाब का इंतजार करता है और उसे कोई जवाब नहीं मिलता। फिर कैलाश को नौकरम की हर कंडीशन में शांत रहने वाली बात याद आती है। कैलाश महसूस करता है कि उसके दिल की धड़कनें तेज थी और सांसें उथली। वो समझ जाता है कि वो इस सवाल करने की स्थिति में नहीं है, उसे हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखना सीखना होगा। इतने में कैलाश देखता है कि उसे कोई पीछे से छुप के देख रहा है। वो तुरंत अलर्ट हो जाता है, अपने को अटैक के लिए तैयार करता हुआ कैलाश उस पर्दे की तरफ घूम जाता है जहां से उसे हलचल का एहसास हुआ था। कैलाश कहता है, कौन छुपा है वहां, बाहर आओ। कैलाश देखता है उस पर्दे के पीछे से निकेत अपना सिर झुकाए उसके सामने आता है। निकेत को देखते ही कैलाश कहता है, निकेत तुम यहां क्या कर रहे हो? निकेत डाउटफुल दिख रहा था, द्वंद में लगी चोट अभी भी उसकी बॉडी के मूवमेंट पर असर डाल रही थी, उसकी चाल में हल्की लटक और दर्द साफ देखी जा सकती थी। निकेत कैलाश के सामने आके खड़ा होता है और सवाल करता है, कौन हो तुम? निकेत का सीधा सवाल कैलाश को थोड़ा अनकंफर्टेबल करता है और वो उसके सवाल के जवाब में सवाल करना सही समझता है। कैलाश पूछता है, कौन मैं? मतलब निकेत काफी हर्ट था फिजिकली और मेंटली। वो कैलाश से कहता है, आज से पहले तुम्हारा ये रूप किसी ने भी कभी नहीं देखा था, ऐसा क्या हुआ जो तुम अचानक इतने शक्तिशाली बने? कैलाश कहता है, इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है और जो भी है आज सच तुम्हारे सामने है। निकेत समझ नहीं पाता है और पूछ बैठता है, कैसा सच? कैलाश कहता है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई राजा दक्ष संतान और उनके साम्राज्य का असली उत्तराधिकारी कैलाश हूँ। निकेत अपना सिर शर्म से नीचे कर लेता है, उसे पता था कि उसने हमेशा कैलाश को नीचा और नकारा समझा था, पर आज कैलाश ने उसकी सभी बातें झूठी साबित कर दी थी और अब निकेत वो करता है जो नौकरम ने कैलाश को पहले ही बता दिया था। निकेत कैलाश के सामने घुटने के बल बैठ जाता है और हाथ जोड़ते हुए कहता है, कैलाश मुझे माफ कर दो, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं और तुमसे अपने किए पर हर उस बुरे बर्ताव पर माफी मांगा हूं।
कैलाश को समझ नहीं आता कि निकेत के कहे पर भरोसा करे या ना करे। पर निकेत वहीं रुकता नहीं है, वो आगे कहता है, मुझे पता है जो मैंने तुम्हारे साथ किया है उसके बाद मुझे माफ कर देना आसान बात नहीं, और शायद तुम मुझे कभी माफ ना करो, पर मैंने आज तक राजा दक्ष को अपने राजा के रूप में देखा है, और सच तो यही है कि मैं समझता था तुम उनकी जगह लेने के लायक नहीं हो। अगर कोई हमारे कुल में उनकी गद्दी संभालने का हक रखता था तो वो मैं था, पर आज तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। कैलाश के सामने दया की भीख मांगता निकेत, क्या सही में बदल गया था या फिर इसमें उसकी कोई चाल थी? उसका यह कबूलनामा क्या कैलाश का मन बदल पाएगा? कैलाश के खिलाफ किस नए षड्यंत्र की तैयारी करेगा अक्षय? कैलाश की रोमांचक कहानी में क्या होगा अगला ट्विस्ट? जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम के साथ। पर आज तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। निकेत का सर अभी भी नीचा था और कैलाश उसके सामने खड़ा होकर निकेत की बातें सुन रहा था। निकेत ने अपनी बातें पूरी नहीं की थी, वो आगे कहता है, मेरे दिल में तुम्हारे खिलाफ जो आग थी उसका मुझ पर इतना असर हो गया था कि मैं सही गलत का फर्क भी भूल गया था। अंधा हो चुका था मैं सिंहासन के लालच में, और उसी लालच ने मुझे वो करने पर मजबूर कर दिया था जिससे मैंने पूरे वेदकुल का फ्यूचर खतरे में डाल दिया था। अब तक निकेत के इस कबूलनामे को कैलाश बस सुन रहा था। हर बात जो उसने कही थी कैलाश को पहले से ही पता थी, पर निकेत की आखिरी बात सुनकर कैलाश के कान खड़े हो जाते हैं और वो अलर्ट होकर पूछता है, क्या किया तुमने? कैलाश की तरफ से अचानक आए सवाल से निकेत के विचारों की लय टूट जाती है, और सडनली उसे लगता है कि वो जो आगे कहने जा रहा है क्या वो सही होगा? कहीं उसे कुल से निकाल तो नहीं दिया जाएगा? हो सकता है उसका सब कुछ उससे छीन लिया जाए, जो भी पैसा संपत्ति उसने इतने कम समय में जुटा ली थी, हो सकता है वो सब राजा दक्ष उससे छीन ले। इतने बड़े धोखे की सजा मौत भी हो सकती है। निकेत की चुप्पी कैलाश के धैर्य की परीक्षा थी, और अब कैलाश से रहा नहीं जाता है। वो अपनी ऊंची आवाज में निकेत से पूछता है, निकेत मैंने पूछा क्या चाहे तुमने, बताओ मुझे। तीर कमान से निकल चुका था और अब झूठ बोलने का भी कोई फायदा नहीं था। कैलाश समझ चुका था कि बात काफी सीरियस थी। निकेत बताता है, कैलाश तुम भी जानते हो कल तक तुम्हारी और मेरी ताकत मिलकर भी तक्षय और उसके कुल का सामना नहीं कर सकती थी, और आज अगर मैं तुम्हें उस वन में हरा भी देता तो भी मुझे डर था कि बहुत ही जल्द वहां कुल के लोग हम पर हमला करके हमसे अंगीरा की बागडोर छीन सकते थे। निकेत ऐसा कहकर थोड़ा रुक जाता है। उसने अभी तक जो भी कहा था उससे कैलाश की क्यूरियोसिटी और बढ़ गई थी। निकेत आगे कहता है, कैलाश इसी वजह से मैं कल तक्षय से मिलने उसके जंगल वाले आउटहाउस में गया था। तक्षय का नाम सुनते ही कैलाश का खून खोलने लगता है। पहले तो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है और वो कहता है, क्या तुम तक्षय से मिल गए थे? निकेत तुरंत जवाब देता है, कैलाश जब तुम गायब हो गए थे तब तुम्हें ढूंढने के लिए हमने सारा शहर छान मारा, और उसी दौरान बाजार में मेरी नजर तक्षय पड़ी, वो भी मुझे देख रहा था, और उसकी नजरों से मुझे ऐसा लगा कि हो ना हो तुम्हारे गायब होने में तक्षय का ही हाथ होगा। ये बात मैंने महाराज से कही थी और फिर तुम आ गए, जिसके बाद सब उस बात को भूल गए, पर फिर अचानक महाराज ने हमारे द्वंद का ऐलान कर दिया। क्या करता मैं तुम भी बताओ, क्या करता मैं? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तक्षय का सामना कर सकता था? नहीं, और मेरे राजा बनते ही वो हम पर हमला करते और हमारा सब कुछ छीन लेते। निकेत की बातें उसे एक डरपोक और चालाक लोमड़ी साबित कर रही थी। कैलाश जानता था कि किसी भी परिस्थिति में लोमड़ी की प्रवृत्ति अपने आप को बचाने की होती है। निकेत कहता है, उस रात मैंने वहां जाकर तक्षय के साथ एक डील करी थी और अपने राजा बनते ही उसे अपनी गद्दी देने का वादा किया था, और उसे मुझे अपना सेकंड कमांड रखने का वादा ले लिया था। कैलाश की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। जो भी उसने निकेत के मुंह से अभी सुना था उस पर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। कैलाश निकेत के गिरबान को कसकर पकड़ लेता है और उसे हवा में लटका देता है। कैलाश का गुस्सा देख के निकेत अभी शांति दिख रहा था, चाहे कैलाश वहां उसे जान से भी मार दे चाहे उसे फर्क नहीं पड़ता। कैलाश गुस्से में कहता है, निकेत तुझे नाता भी है कि तूने क्या किया है? जी तो चाहता है कि अभी तेरा गला दबाकर तुझे जान से मार दूं। तूने अपनी कुल से तकबाजी की, मुझे माफ कर दो कैलाश, मैं अंधा हो गया था, मुझे बस अपनी भलाई दिखाई थी, मैंने ये नहीं सोचा कि मेरी भलाई वेदकुल के साथ है, भूल गया था मैं ये बात। दया की भीख मांगते हुए निकेत कैलाश से कहता है। कैलाश निकेत को दूर फेंक देता है और अपनी नजर उसे फेर लेता है। वो जानता था कि निकेत को देखते रहने से उसका गुस्सा कम नहीं होगा। निकेत जैसे तैसे अपनी जमीन से उठा है और सर झुकाए कैलाश से कहता है, कैलाश मैं बदल गया हूं, और अगर मेरे मन जरा भी गलत ख्याल होते तो मैं आज यहां तुम्हारे सामने सच्चाई बयान नहीं करता, इस बात को तुम एक बार जरूर सोचना। ऐसा कहकर निकेत वहां से चला जाता है। कैलाश का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था, पर वो अपने आप को संभालने की कोशिश करता है। उसे गुस्से में यह समझ नहीं आ रहा था कि वो निकेत की दगाबाजी की सजा उसे कैसे दे। उसके मन में सवाल उठा है कि क्या यह बात उसे राजा दक्ष को बता देनी चाहिए। इस बात का जवाब ढूंढना मुश्किल था। फिर कैलाश इस बात को अपनी तक ही सीमित रखने का डिसीजन लेता है। निकेत ने आज तक कभी भी दक्ष को शिकायत का मौका नहीं दिया था। वो एक आइडियल योद्धा की तरह अपने राजा के आदेशों का पालन करता रहा है। अगर कैलाश ने यह बात अपने तक रखी तो वो न सिर्फ निकेत को एक मौका देगा बल्कि उसकी कमजोर नस भी कैलाश के कब्जे में होगी, जिसकी बदौलत कैलाश हमेशा निकेत को अपने अंगूठे के नीचे रख सकता था। इधर महल में जश्न जैसा माहौल था। राजा दक्ष के साथ उसके सारे मंत्री और दूसरे इंपॉर्टेंट लोग मौजूद थे। आज दक्ष की खुशी का कोई ठिकाना नहीं दिख रहा था और उसका हंसता मुस्कुराता चेहरा लगातार अपने मेहमानों के साथ विनम्रता से बातें करता दिख रहा था। राजा दक्ष का एक मंत्री अपने राजा से कहता है, महाराज आज आपकी खुशी को देख के हमें जिस तसल्ली और खुशी का एहसास हो रहा है वो हम बता नहीं सकते। मेरी बात आप बुरा मानिएगा, पर मैंने पिछले कई सालों से आपके चेहरे पर ऐसी खुशी नहीं देखी। आप हमेशा किसी न किसी चिंता से ग्रसित करते थे, पर आज इतने सालों बाद मैंने आपको पहली बार इस बेफिक्री से हम सबके साथ मिलकर आनंदित होते देखा है। मैं और यहाँ मौजूद सभी मेहमान आपको देख के बेहद आनंदित हैं। मंत्री की बातें सुनकर सभी लोग हामी भरते हैं। राजा दक्ष महल के उस बड़े से हॉल में मौजूद अपने मेहमानों से कहता है, यह बेफिक्री यह खुशी मुझे मेरे बेटे कैलाश ने दी है। पता नहीं अनादि को क्या मंजूर था जो आज तक उसने कैलाश को एक मामूली इंसान बनाए रखा। हर राजा अपने बेटे को ही अपने सिंहासन पर बैठा देखना चाहता है। मैं कोई अलग नहीं था, मैं भी चाहता था कि कैलाश ही एक नए दिन मेरी जगह ले, पर जैसे पिता होने के नाते मैं अपने बेटे के लिए अच्छा सोचता था, एक राजा होने के नाते अपनी प्रजा के लिए भी मेरी जिम्मेदारियां थी, और कैलाश के बड़े होने के साथ मेरी ये दोनों इच्छाओं का द्वंद हमेशा मेरे अंदर चलता रहा है। वही वजह थी कि मैं आप लोगों को हमेशा चिंतित नजर आता था, पर कैलाश ने मेरे अंदर चल रहे उस द्वंद को आज खत्म कर दिया है। आज मैं उन विचारों से स्वतंत्र हो चुका हूँ। वहीं खड़ा एक दूसरा आदमी राजा से पूछता है, महाराज कल तक जो कैलाश एक साधारण इंसान था, अद्भुत बात है कि आज उसकी शक्तियां सडनली कई बढ़ चुकी है, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? इस सवाल का जवाब तब तक राजा भी नहीं जानते थे। तभी वहां मौजूद शमन कहते हैं, देखिए कैलाश की शक्तियां यकीनन कल अचानक सबके सामने आई है। ऐसा कई बार देखा गया है कि शक्तियां लोगों के अंदर होती है और उनका फलित होकर भाग दिखना संभव नहीं हो पाता। ऐसा ही कुछ कैलाश के साथ भी हुआ है, और यह बात तो किसी से भी नहीं छुपी है कि कैलाश जितना मेहनती और ईमानदार कोई नहीं है। हर बार परास्त होने के बाद भी उस बच्चे ने कभी हार नहीं मानी, और शायद वही कारण है जो अनादि ने उसकी सुनी, उसे वो दे दिया जिसका वो सही मायने में हकदार था। शमन की कई बात से वहां सभी सहमत थे। अपनी बातें खत्म करके शमन राजा दक्ष की तरफ देखता है। दोनों की आंखें मिलती है और एक अंदर ही बात का संचार होता है।
वो बात थी कि भले ही शमन ने आज लोगों को अपनी बातों से मना लिया था, पर सच तो यही था कि ना शमन और ना राजा दक्ष को इस बात की जानकारी थी कि कैलाश की शक्तियां अचानक कैसे बढ़ी थी। बिना कुछ आगे कहे शमन और दक्ष वापस मेहमानों के साथ बातचीत में मशगूल हो जाते हैं। ये सवाल सिर्फ राजा दक्ष, शमन और नीरा को ही नहीं सता रहा था। कैलाश के पास अचानक शक्तियां जाने से सबसे ज्यादा परेशान दक्ष था। वो अपने साथियों के साथ गुस्से में बैठा था। चिंता और जलन की भावना उसके चेहरे पर साफ थी। वो अपने साथियों से पूछता है, कैलाश वहां से वापस आया है जहां से वापस आज तक कोई नहीं आ पाया। कोई जिंदा आदमी भी अगर गलती से अंधी खाई में चले जाता है तो उसकी मौत पक्की है। कैलाश वहां से जिंदा कैसे वापस आ गया, और वो भी तब जब मैंने उसे अपने हाथों से मार डाला था। ये कैसे हो सकता है, संभव नहीं है। ये दक्ष की बातें सुन रहे उसके साथियों में से एक कहता है, दक्ष कैलाश की शक्ति देखे ऐसा नहीं लग रहा था कि ये वही कैलाश है जिसे हम जानते थे। हो ना हो, कैलाश ने पिछले कई सालों से अपनी शक्तियां सभी से छुपा के रखी थी। इस पर दक्ष कहता है, ऐसा नहीं है, मुझे अभी भी हमारे बीच हुई वो पुरानी छाप याद है। नीरा ने भी देखा था, कैलाश ने मुझे हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। तुम जो कह रहे हो उसमें अगर जरा भी सच्चाई होती तो उससे लड़ते हुए मुझे उसकी छुपी हुई शक्तियों का एहसास हो जाता। दक्ष अभी भी अपनी सोच में ही डूबा हुआ था। तभी उसके पास ही खड़ा वो साथी कहता है, हो सकता है अंधी खाई से किसी के ना लौट पाने की बात झूठ हो, शायद वहां से लौट पाना मुमकिन हो। दक्ष कहता है, और मेरी दी गई वो चोट उसके बारे में क्या कहोगे। जैसे जैसे कैलाश के नए रूप के रहस्य गहराते जा रहे थे, दक्ष का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा था। दक्ष से उसका साथी कहता है, हो सकता है कि तुम्हारी दी गई चोट का वो असर ना हुआ हो, शायद तुम्हारी शक्ति उसको मार नहीं पाई हो। ये बात दक्ष से सहन नहीं होती है। दक्ष ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है कि उसके ही साथी अब उसकी काबिलियत पे सवाल उठाएं। अपनी लाल आंखों के साथ दक्ष अपने उस दोस्त के पास आता है। उसके हाथ उसी तरह लाल हो जाते हैं जैसे उस समय थे जब उसने कैलाश को जान से मारा था। बिना कुछ आगे बोले दक्ष अपने उस साथी पर हमला कर देता है। वहां खड़े सभी दोस्त सहम के दूर हट जाते हैं, और दक्ष ने जिस लड़के को मारा था उसकी बड़ी दूर की दीवार में जाकर टकराती है, और जब तक वो जमीन पर गिरता है उसकी जान जा चुकी थी। दक्ष पास के उस आदमी को देखता है और भावहीन चेहरे के साथ कहता है, ऐसा लगता तो नहीं है कि मेरी शक्तियां काम नहीं कर रही। और फिर वो अपने बाकी दोस्तों की तरफ देखता है। वो सभी दक्ष से दूर खड़े दक्ष को ही देख रहे थे। डर से उन सबके मुंह पर ताला लग चुका था। क्या किसी को कैलाश और नौकरम के सच्चा पता चल पाएगा? कैलाश की लाइफ में आगे कौन सी चुनौतियां आने वाली हैं? जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम के साथ। दक्ष के सभी दोस्त डरे हुए थे। अभी भी उसका गुस्सा कम होते नहीं दिख रहा था। उसकी लाल सुर्ख आंखें अपने मरे हुए साथी की ओर देख रही थी। बिना किसी दुख या मलाल के उस आदमी की जान जा चुकी थी, और ठीक कैलाश की तरह उसके पेट पे लगी चोट लाल आग में सुलग रही थी जिसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा था। दक्ष एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और कैलाश को याद करते हुए जोर से चिल्लाता है, कैलाश आ रहा हूं मैं तेरा काल बनके। इधर कैलाश उस झील से वापस जाने लगता है। निकेत की कई बातों से वह अभी भी डिस्टर्ब था, और वो अपनी ही सोच में घने पेड़ के बीच बनी पगडंडी पे चलता हुआ जा रहा था। इतने में उसे कुछ एहसास होता है और फिर रिफ्लेक्सेस एकदम से एक्टिव हो जाते हैं। जरा सा झुकता हुआ कैलाश अपने हाथों को ऊपर करता है और एक बड़े से पत्थर को अपने सिर से टकराने से रोक लेता है। किसी ने उस पर पत्थर से वार किया था। कैलाश अपनी नजरें चारों तरफ घुमाता है, लेकिन उसे वहां और कोई दिखाई नहीं देता। उसको मन शक होता है कि इस पत्थर से भला उसे कौन चोट पहुंचाना चाहता है। अगर उसकी जान लेनी होती तो उस पर तीर से अटैक किया होता। कैलाश का ऐसा सोचना ही था कि उसकी इंद्रियां उसे सचेत करती है, और कैलाश बिजली की स्पीड से झुक जाता है। उसके कानों से कुछ इंच की दूरी से एक लंबा सा तीर सरपट निकल जाता है और पास के बड़े से पेड़ के तने में जाके गिर जाता है। कैलाश तुरंत खड़ा होकर उस दिशा में देखता है जहां से तीर आया था। उसे कोई दिखाई नहीं देता। कैलाश के चेहरे पर मरने का डर नहीं था, पहले से डर कैलाश के पास अब शक्तियों का अंबार आ चुका था। वो सोचता है कि आखिर कौन उस पर छुप के वार कर रहा था। वो चिल्ला के कहता है, हिम्मत है तो सामने आ के लड़ो, ऐसे गायों की तरह क्या छुप के अटैक कर रहे हो। कैलाश का इतना कहना ही था कि उसके ऊपर एक साथ तीन तीन तीर छोड़ दिए जाते हैं। इस बार कैलाश ने पूरी तरफ से अपने आप को तैयार कर लिया था, और अपने ऊपर आते हुए उन तीरों से बचने के बजाय कैलाश उन तीरों को अपनी मुट्ठी की गर्फ में ले लेता है और गुस्से में उन्हें दोनों हाथों में पकड़कर तोड़ देता है। थोड़ी देर में कैलाश का ध्यान उन टूटे हुए तीरों पर जाता है। तीरों की नोक साफ थी। वो समझ जाता है कि तीरों में जहर नहीं चढ़ाया गया था, इसका मतलब वो जानलेवा नहीं थे। तभी बाण के पंख देखते ही कैलाश के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। कैलाश अपनी नजर उठाता है और नीरा को उसे काफी दूर खड़ा पाता है। नीरा के हाथों में बाण था और वो कैलाश की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर खुशी या आश्चर्य के बजाय कंफ्यूजन साफ दिख रहा था। उसके मन में कई सवाल भी थे जिसके जवाब ढूंढती हुई वो यहाँ आई थी। आज से कई साल पहले की बात है जब कैलाश और नीरा छोटे बच्चे थे। वो दोनों बचपन से ही साथ रहा करते थे। कैलाश के पास कोई और दोस्त ना होने की वजह से नीरा हमेशा उसका साथ दिया करती थी, और दोनों साथ ही खेला करते थे। नीरा उस छोटी सी उम्र में भी कैलाश से आगे बढ़ चुकी थी, पर छोटे मासूम होने की वजह से उनमें उतनी समझ नहीं थी। और ऐसा ही खेलते खेलते एक दिन कैलाश और नीरा इस घने और सुनसान जंगल में आ गए थे। उस वक्त भी नीरा के पास एक बाण और तीर थे। छोटी सी नीरा कैलाश को परेशान करने के लिए उस तीर से उस पर अटैक करती है, और ऐसे ही खेल खेल में नीरा का तीर कैलाश की बॉडी पर कई जगह चोट पहुंचा जाता है। कैलाश अपने आप को बचाने की बेहद कोशिश करता है, पर छोटी सी नीरा ये समझ नहीं पाती कि अनजाने में वो कैलाश को बहुत दर्द पहुंचा रही थी। वो तो बस उस पर खेल खेल में तीर छोड़ रही थी, और ऐसा करते करते एक तीर कैलाश के कंधों पर जा करता है। कैलाश का शरीर शिथिल होकर एकदम से जमीन पर गिर जाता है। कैलाश को गिरता देखकर नीरा के हाथों से वो बाण छूट जाता है। नीरा दौड़कर कैलाश के पास जाती है और उसे देखने लगती है। कैलाश की आंखें बंद थी, और अब उसे देखकर छोटी सी नीरा रोने लगती है। उस बच्ची को समझ नहीं आ रहा था कि कैलाश को हुआ क्या है। उसका छोड़ा हुआ तीर अभी भी कैलाश के कंधे पर ही था। डरी हुई नीरा वहां से रोती हुई भाग जाती है। महल पहुंचकर उसे शमन एक कॉरिडोर से जाते हुए दिखते हैं। नीरा भागती हुई उनके पास आती है और शमन की धोती पकड़कर उन्हें रोक लेती है। शमन रोते हैं तो उन्हें नीरा रोती हुई दिखाई देती है। वो जिज्ञासावश पूछते हैं, क्या हुआ नीरा, रो क्यों रही हो? निकेत ने परेशान किया तुम्हें, या फिर कैलाश से झगड़ा कर लिया तुमने? नीरा शमन के सामने अपना सर नाम हिलाते हुए जवाब देती है और उनकी धोती खींचते हुए उन्हें कहीं ले जाने की कोशिश करती है। शमन नीरा की बात समझ नहीं पाते हैं। वो दोबारा पूछते हैं, क्या बात है नीरा, हुआ क्या है? शमन अपनी नजर इधर उधर दौड़ाते हुए आगे पूछते हैं, कैलाश कहाँ है बेटा? शमन को यह पता था कि नीरा और कैलाश साथ ही खेला करते थे, पर अभी वहां कैलाश कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें कुछ बुरा होने का संशय होता है। वो नीरा से सवाल करते हैं, नीरा कैलाश कहाँ है बताओ? छोटी सी नीरा रो रही थी। वो अपने हाथों से शमन के कपड़े को खींचते हुए कहती है, बाबा मेरे साथ चलिए, कैलाश वहां जंगल में मर गया है। क्या, कैसे? और इससे पहले कि नीरा कुछ भी बोलती, शमन नीरा को अपनी गोदी में लेके भागने लगते हैं। भागते हुए वो नीरा से पूछते हैं, कहाँ है कैलाश, किस दिशा में? नीरा अपने छोटे से हाथ से आगे की ओर इशारा करती है, और शमन उसके दिखाए रास्ते पे सर पर भागते हुए उस जगह पहुंच जाते हैं जहां कैलाश पड़ा हुआ था। नीरा को अपनी गोद से उतारते हुए वो तुरंत भाग के कैलाश के पास जाते हैं। जब उसकी नाड़ी चेक करते हैं तो उनके चेहरे की चिंता थोड़ी शांत होती है। कैलाश की चोट जानलेवा नहीं थी। वो तुरंत कैलाश को अपने हाथों में लेके वहां से जाने लगते हैं, और नीरा से कहते हैं,
नीरा चलो मेरे साथ। छोटे से कैलाश की आंखें अभी भी बंद थी पर उसकी बॉडी पर लगा वो तीर हटा लिया गया था और उस चोट पर पट्टी भी लगा दी गई थी। सभी वहां भीड़ लगा के खड़े थे। कैलाश के सबसे पास उसके पिता दक्ष थे। वो उसके सिरहाने बैठे अपने मासूम बच्चे के बालों को सहला रहे थे। कमरे में खड़ी उस भीड़ से दूर किसी कोने में नीरा डरी सहमी रो रही थी। वहां से देखने पर उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि कैलाश के साथ क्या किया गया था। वो लगातार रोती ही जा रही थी। शमन, राजा दक्ष कहता है चोट ज्यादा गहरी नहीं थी महाराज, थोड़े ही समय में कैलाश को होश आ जाएगा। शमन की दी तसल्ली से दक्ष का मन थोड़ा शांत होता है और उसे अब नीरा के बिलखने की आवाज सुनाई देती है। दक्ष नीरा के पास जाता है और उसके पास बैठा हुआ पूछता है, नीरा कैलाश थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा बेटा, तुम रो मत। घबराई हुई नीरा अपना सिसकना थामने की कोशिश करती है। राजा दक्ष नीरा से पूछते हैं, कैलाश को ये चोट किसने पहुंचाई? नीरा फिर से बहुत डर जाती है और रोने लगती है। उसको संभालते हुए दक्ष कहते हैं, हम तुमसे बस इतना जानना चाहते हैं बेटा कि कैलाश को ये चोट किसने पहुंचाई? तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने तो कैलाश की जान बचाई है, तुमने ही तो शमन बाबा को आके बताया था कि कैलाश को चोट लगी है। नीरा अपना सिर हिला के हां में जवाब देती है। फिर दक्ष आगे कहते हैं, तो फिर अब हमें ये बताओ कि तुम्हारे दोस्त को किसने चोट पहुंचाई? फिर देखा तुम्हारे ये गुरुजी उसको कैसे पनिश करते हैं। दक्ष के कहे हर एक शब्द नीरा के दिल की धड़कनें बढ़ा रहे थे। डरी हुई नीरा बस इतना कह पाती है, गुरुजी मैंने कैलाश को नहीं मारा। हम जानते हैं नीरा, तुम तो कैलाश के दोस्त हो, तुम उसे कैसे चोट पहुंचा सकती हो? दक्ष नीरा से कहता है। शमन अपने हाथ पीछे कर लेता है। उसके हाथों में वही तीर था जिसे कैलाश के कंधे से उसने निकाला था। उसे पता था कि तीर वेदकुल का ही था। उसके परों का रंग लाल था जो कि वेदकुल के तीरों की निशानी थी। शमन जान चुका था कि ये चोट कैलाश को नीरा नहीं पहुंचाई थी, पर वो ये बात दक्ष से कहना उचित नहीं समझता और उसे वो बात छुपा लेता है। इतने में शमन की नजर कैलाश पर पड़ती है जिसे होश आ चुका था। वो तुरंत राजा दक्ष के पास जाकर कहते हैं, महाराज बालक कैलाश को होश आ गया है। शमन की बात सुनते ही दक्ष के चेहरे पर खुशी छा जाती है और वो नीरा को छोड़कर कैलाश के पास वापस चले जाते हैं। कैलाश जैसे ही अपने पिता को देखता है वो क्या होता है, डैड। कैलाश की आवाज में दर्द साफ लग रहा था। घाव भले ही जानलेवा नहीं था पर कैलाश के कंधों में दर्द बहुत था। शमन कैलाश की दर्द सहन करने की क्षमता से काफी सरप्राइज थे। दक्ष अपने बेटे के पास बैठकर चिंता में उसे देखते हुए कहते हैं, हाँ बेटा कैलाश मैं यही हूँ, डरो मत, तुम ठीक हो, कुछ नहीं हुआ तुम्हें। अपने पिता को चिंतित देखकर कैलाश कहता है, डैड आप भी चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगा। अपने बेटे की हालत देखकर दक्ष की आंखें नम हो चुकी थी पर कैलाश की बातें सुनकर उन्हें हंसी आ जाती है जिसे रोते हुए दक्ष कैलाश से सवाल करते हैं, मैं जानता हूँ मेरा बेटा बहुत पराक्रमी है पर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी? किसी ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी? बेटा कैलाश मुझे बस तुम इतना बता दो कि वो कौन था जिसने तुम्हें तीर से मारने की कोशिश की थी? अब तक नीरा कैलाश के बेड के पास आ चुकी थी। घबराई हुई वो कैलाश की तरफ देख रही थी। उसे डर था कि अगर कैलाश ने अपने डैड को बता दिया कि नीरा ने ही उसे खेल खेल में मारा था तो शायद राजा दक्ष उसे फांसी पर लटका देंगे। कैलाश भी नीरा की तरफ देख रहा था। फिर कैलाश अपने बेड की तरफ देखता है और कहता है, डैड मैं और नीरा जंगल में खेलने गए, खेलते खेलते पता नहीं वो तीर कहां से आके मुझे लगा, कुछ समझ नहीं आया। कैलाश ने अपने पिता से झूठ बोल दिया था। उस छोटे से कैलाश की सूझबूझ पे शमन को विश्वास नहीं होता। राजा दक्ष नीरा की तरफ देख के फिर पूछते हैं, नीरा बेटा तुमने तो कुछ देखा होगा, वहां तुम्हें कोई दिखा था? नीरा अपना सर ना मिला लेती है और अपनी नजरें नीचे कर लेती है। दक्ष बच्चों पे ज्यादा जोर डालना ठीक नहीं समझते हैं और शमन की तरफ देखते हुए कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि बच्चों को कुछ भी समझ आया होगा, इनसे सवाल करने से कोई फायदा नहीं, खुशी इस बात की है कि कैलाश को कोई भी खतरा नहीं है। राजा की बातों का जवाब देते शमन कहते हैं, आप ही कह रहे हैं महाराज, कैलाश खतरे से बाहर है और शायद कोई भी ये नहीं जानता किसने इस बच्चे को कौन मारना चाहेगा, हमें आगे से सजग रहने की जरूरत है। इस पर दक्ष कहते हैं, आप ही कह रहे हैं, महल के आसपास की घेराबंदी बढ़ा दी जाए और बच्चों के साथ हमेशा दो सिपाही होने चाहिए उनकी रक्षा के लिए। कैलाश बेटा आप तुम आराम करो, कुछ जरूरी काम है मुझे चलना होगा। ऐसा कहकर राजा वहां से चले जाते हैं और फिर उनके पीछे बाकी सभी वहां से निकल जाते हैं। अब वहां कैलाश और नीरा अकेले थे। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। कैलाश को हंसता हुआ देखकर अब नीरा के चेहरे पर भी हंसी आ जाती है। पर आज सालों बाद कैलाश और नीरा की भिड़ंत का क्या निष्कर्ष निकलेगा? आखिर चल क्या रहा था नीरा के दिमाग में? जाने के लिए चुभ रही है पॉकेट रखने के साथ। छोटी सी नीरा बेड पे लेटे कैलाश को देखकर हंस रही थी। अभी भी उसकी आंखें आंसू से गिरी थी और उसके चेहरे की चुलबुली सी मुस्कुराहट ने नीरा का दिल हल्का कर दिया था। डर जा चुका था और अब वो बात करने के काबिल हो चुकी थी। नीरा पूछती है, तुमने गुरुजी से क्यों नहीं बताया वो तीर मैंने तुम्हें मारा था? कैलाश बोलता है, अगर मैं डैड से सच बोल देता तो वो तुम्हें सजा देते और हम दोनों को अलग कर देते, फिर मेरे साथ कौन खेलता? नीरा कैलाश के पास जाके बैठ जाती है, उसकी चोट को देखती रहती है और कैलाश से पूछती है, बहुत दर्द हुआ है? कैलाश सर हिला के हाँ में जवाब देता है। नीरा अपनी उंगलियां आहिस्ता से उन पट्टियों पे फेरती है जो कैलाश के घाव पर लगाई गई थी। वो कहती है, आई एम सॉरी। कैलाश कुछ नहीं कहता और बस नीरा की तरफ देखता रहता है। नीरा आगे कहती है, हम कभी अलग नहीं होंगे, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। इस पर कैलाश कहता है, ठीक है। दोनों बच्चे एक दूसरे को देखकर हंसते हैं। शमन कैलाश और नीरा की बातें कमरे के बाहर खड़े सुन रहे थे, उन्हें भी बच्चों की बातों पर हंसी आ जाती है। कैलाश और नीरा का उतनी सी उम्र में एक दूसरे के लिए प्यार देखकर शमन का दिल भाव विभोर हो जाता है। उस दिन कैलाश की समझ और सूझबूझ ने शमन को आश्चर्य में डाल दिया था। जिस उम्र में बच्चे छोटी छोटी बातों के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं उस एज में कैलाश ने जिस धैर्य और समझ का परिचय दिया था वो शमन को कैलाश के एक अच्छे शासक होने की तरफ इशारा कर रहा था। उस वक्त उन्हें पूरा यकीन था कि कैलाश बड़ा होकर अपने पिता जैसा ही अच्छा शासक बनेगा, पर उस वक्त उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि समय के साथ कैलाश की शक्तियां नहीं बढ़ेगी और वो बड़ा होने के बाद मात्र एक मामूली इंसान ही रह जाएगा। और आज उस इंसिडेंट के इतने सालों बाद कैलाश के सामने नीरा खड़ी थी। उसने अपने सारे तीर कैलाश के ऊपर खर्च कर दिए थे और मजा है एक भी तीर कैलाश की त्वचा को भेदना तो दूर छूके भी निकल पाता। नीरा वो सब देखकर कैलाश के सामने शॉक होकर खड़ी थी। कैलाश नीरा के सामने आता है और कहता है, ये तीर मुझे आज भी याद है, फिर से मुझे मारने का इरादा है क्या? नीरा कैलाश ये तीर तुमने आज कैसे रोक लिया? तुम आज से कैसा नहीं कर सकते थे और जो निकेत के साथ तुमने किया उस पर भरोसा कर पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, क्या हुआ कैलाश तुम्हारे साथ? नीरा बहुत ज्यादा डाउटफुल दिख रही थी। उसे देखकर कैलाश को ऐसा लग रहा था कि नीरा कैलाश को नहीं बल्कि किसी अनजान इंसान को देख रही थी। कैलाश तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, क्या छुपा रहे हो कैलाश तुम? नीरा फिर से कैलाश के सामने सवाल रखती है। कैलाश को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहे तो क्या कहे और अचानक उसके मुंह से निकल जाता है, नीरा तक्षशिला उसके आदमी ने मुझे मारकर नदी खाई में फेंक दिया था, वहां मैं मरा पड़ा था और फिर अचानक मुझे होश आ गया, मुझे ये बताया गया कि मैं मर चुका था और मेरे अंदर एक नया सॉफ्टवेयर डाल दिया गया है जिससे मैं वापस जिंदा हो गया और उस नदी खाई से वापस आ गया। कैलाश की बात सुनकर नीरा को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है,
कैलाश कभी तो मेरी बातों को तुम सीरियसली लिया करो। तुम्हें पता है तुम्हें ऐसा देखने के लिए हम सब सपना देखा करते थे। आज जो सपना पूरा होता दिखा है और तुम हर बात को मजाक उड़ा जाना चाहते हो। कैलाश नीरा की बातों का जवाब नहीं देता। जो भी था उसने नीरा से सच बता दिया था, पर बात ही इतनी अजीब और अविश्वसनीय थी कि उस पर किसी का भी उस पर भरोसा कर पाना पॉसिबल नहीं था। कैलाश मुस्कुराता हुआ नीरा को ही देखता रहता है, जिसे देख नीरा को गुस्सा आता है और वो कैलाश को छोड़कर वहां से जाने लगती है। कैलाश दौड़ता हुआ नीरा के पीछे भागता है और उसका हाथ पकड़कर नीरा को रोकता हुआ कहता है, अरे नीरा तुम तो गुस्सा हुई, प्लीज रुको। नीरा कैलाश की तरफ देखना भी नहीं चाहती थी, ये उसका कैलाश के लिए प्यार था, उसका हक था। नीरा कैलाश की लौटी दोस्त थी, शायद उसका प्यार थी। कैलाश नीरा को रोककर कहता है, नीरा मुझे भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं भी अभी तक ये बात पूरी तरह से समझ नहीं पाया हूँ। तुमसे मैंने कुछ भी नहीं छुपाया है, ऐसी शक्तियां मेरे अंदर आ सकती हैं, मुझे भी विश्वास नहीं हो पा रहा है, पर मेरे बस में कुछ भी नहीं है। जो भी है तुम्हारे सामने नीरा। नीरा को गुस्सा ना देख पाना और उसे खुश करने के लिए उसको कैलाश पहले की तरह आज भी नीरा को मनाने की कोशिश कर रहा था। ये वही कैलाश था जिसे नीरा जानती थी, नीरा का कैलाश। बस अंदर यह था कि अब वो नीरा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था। नीरा खुश थी और वो अपनी उस खुशी को मुस्कुराहट के साथ अपने चेहरे पर ले आती है। कैलाश भी नीरा को शांत होता देखकर खुश हो जाता है। फिर नीरा कहती है, अच्छा लगा ये देख के कि तुम आज भी वही कैलाश हो जो मुझसे डरते हो। कैलाश भी मजाक को आगे बढ़ाते हुए कहता है, मेरी मती मानी गई है जो मैं नीरा का गेट से डरूं। ऐसा कहकर दोनों एक दूसरे को देखते हुए हंसने लगते हैं। उस जंगल में कैलाश और नीरा अक्सर आया करते थे और आज भी वहां खड़े वो जानते थे कि दोनों को वहां कोई देख नहीं रहा है। उस बड़ी सी झील के सामने का ये स्पॉट दोनों का प्राइवेट मीटिंग पॉइंट बन गया था। उन्हें पता था क्योंकि हंसी वहां कोई भी नहीं सुनेगा। हंसते हुए वो एक दूसरे के गले लग जाते हैं। इतने ज्यादा टेंशन के बाद सब कुछ ठीक हो गया था, पहले जैसा नहीं, पहले से कहीं ज्यादा बेहतर। एक दूसरे के इतने करीब कैलाश और नीरा की सांसें बहती हुई आपस में टकरा रही थी। दोनों की आंखें बंद और बाहें एक दूसरे को आपस में कसे होते हैं। आज कैलाश और नीरा एक नए एहसास से गुजर रहे थे। अब दोनों की हंसी बंद हो चुकी थी पर अभी भी वो एक दूसरे से अलग नहीं हुए थे। आज पहली बार दोनों एक दूसरे की तरफ फिजिकली अट्रैक्ट हुए थे और उनका अकेलापन उनके अंदर की तरफ को और बढ़ा रहा था। कैलाश नीरा को देखता है, नीरा की आंखें बंद थी और आज इतने साल की दोस्ती खत्म हो जाती है जब कैलाश अपने होठों से नीरा के होठों पर किस करता है। आज सालों की दोस्ती को खत्म करके दोनों ने नए रिश्ते की शुरुआत कर दी थी। दोस्ती अब प्यार में बदल चुकी थी। नीरा भी अपनी आंखें खोलती है, उसमें आज शर्म साफ लग रही थी। कैलाश से थोड़ा दूर होती हुई नीरा अपनी आंखें झुका लेती है, उसकी स्माइल उसके चेहरे पर बनी हुई थी। कैलाश उसे किस करना अच्छा लगा था, शायद वो इंतजार का काफी समय से बेसब्री से इंतजार भी कर रही थी। कैलाश भी नीरा को देख रहा था। थोड़े समय के बाद दोनों के बीच एक अटपटी सी असहजता आ जाती है। नर्वस कैलाश टॉपिक बदलते हुए कहता है, अंधेरा होने वाला है, मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। कैलाश अपनी आवाज में नॉर्मल सी लाने की पूरी कोशिश करते हुए वो ऐसे दर्शाता है कि मानो उनके बीच कुछ भी नहीं हुआ हो। नीरा भी शांत रहती है और अपना सिर हिला के कैलाश के साथ धीरे धीरे चलने लगती है। कैलाश अपना एक हाथ नीरा की ओर बढ़ाता है जिसे नीरा अपने हाथों से थामकर उसके साथ चलने लगती है। महल तक का वो रास्ता आज काफी लंबा लग रहा था और साथ ही हसीन भी। पूरे रास्ते दोनों में से कोई भी कुछ कहता नहीं है पर दोनों के हाथ एक साथ होते हैं, छूटते नहीं है। कैलाश अपने कमरे में आ चुका था। पिछले दो दिनों में उसके साथ जो भी हुआ था वो किसी भी आम आदमी को परेशान कर सकता था। मौत को हराकर कैलाश आज बहुत पावरफुल बन गया था। उसने अपने उस भाई को परास्त किया था जिसे हरा पाना उसके लिए सिर्फ एक सपना था, पर फिर भी ये बातें उसके दिमाग में नहीं चल रही थी। आज तो कैलाश सिर्फ नीरा के ख्यालों में खोया हुआ था और उस पल को याद कर रहा था जब वो दोनों एक दूसरे की आगोश में थे। उस हसीन पल की गर्माहट अभी भी वो अपनी बॉडी में फील कर पा रहा था। आंखें बंद किए कैलाश जब नीरा के बारे में सोच रहा था तब उसे नौकरम की आवाज सुनाई देती है, आज तुम्हारे नए सफर की शुरुआत हुई है कैलाश। मन ही मन मुस्कुराते हुए कैलाश को नौकरम की आवाज सुनने की जैसे आदत ही हो गई थी, इसलिए कैलाश कहता है, तुमने सही कहा, इतने सालों बाद मैंने नीरा से अपने मन की बात कह दी। इस पर नौकरम कहता है, पर मैंने तो कुछ सुना नहीं। कैलाश कहता है, अरे हर बात कहकर थोड़ी जाहिर की जाती है, कुछ बातों को कहने का तरीका ज़रा हट ही होता है, तुम ये बात तो नहीं समझोगे। तो नौकरम कहता है, हो सकता है तुम सही हो, मुझे लगा तुमने जो नीरा के साथ किया उसे किस कहते हैं। अरे हाँ उसे किस कहते हैं, और जब वो किस पहली बार किसी लड़की को किया जाए तो उसे किस नहीं अपने ब्याह का इजहार करना भी कह सकते हैं। कैलाश नौकरम को बेहद ही खुश अंदाज में कहता है। नौकरम कहता है, मैं तो मशीन हूँ, मुझे तुम इंसानों के एहसासों के बारे में ज़्यादा नहीं पता। कैलाश नौकरम को छेड़ते हुए कहता है, ठीक हुआ, नहीं तो अगर तुम्हें किसी लड़की से प्यार हो जाता तो मेरा क्या होता, नीरा को तो मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। नौकरम को कैलाश का किया हुआ मजाक समझ नहीं आता है और वो शांत रहता है। कैलाश को जब नौकरम की तरफ से कोई जवाब नहीं आता तो कैलाश पूछता है, कैसे याद आ गई कैलाश की, मुझे कुछ जरूरी बातें बतानी थी। मैंने तुमसे कहा तो तुम्हारी आज एक नई शुरुआत हुई है, नौकरम जवाब देता है। कैलाश को नौकरम की बात समझ नहीं आती और वो पूछ उठता है, कैसी शुरुआत। वही जो तुमने निकेत को सारे शहर के सामने हरा के की है, अब तुम्हारे लिए पीछे मुड़ना मुनासिब नहीं होगा और तुम्हारा आगे का रास्ता बड़ी बड़ी अड़चनों के साथ तुम्हारा इंतजार कर रहा है, नौकरम कैलाश को जवाब देता है। नौकरम की बात सुनकर कैलाश तुरंत पूछता है, कौन सा रास्ता, कैसी अड़चनें आने वाली है मेरे रास्ते में। नौकरम कहता है, तुम्हें समय के साथ सब पता चलता जाएगा, बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हें किसी भी वक्त बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। कैलाश फिर नौकरम से पूछता है, पर मेरी रेसिंग क्या है, मुझे तुमसे ये जानना है क्या होने वाला है मेरा रास्ता। कैलाश को जवाब नहीं मिलता, नौकरम शांत रहता है और यही बात कैलाश को विचलित करने लगी थी। उसके कई सवाल जवाब की तलाश में थे और वो बेबसा सिर्फ उम्मीद कर सकता था कि एक ना एक दिन शायद उसके अंदर उठ रहे सवालों के जवाब उसे मिल जाएंगे। वो नौकरम से कहता है, मैं एक बात पहले साफ करना चाहता हूँ, अगर तुमने मुझसे नीरा को छोड़ने की बात कही तो मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। नीरा आगे हमारे प्लान में अड़चन बनती नहीं दिख रही है, मैं तुमसे ऐसा कुछ नहीं पूछूंगा, नौकरम कैलाश को इत्मीनान दिलाते हुए कहता है। इतने में कैलाश के रूम का दरवाजा खुलता है और उसे एक गार्ड कहता है, आपको राजा दक्ष ने याद किया है। अपनी बात कहकर गार्ड वहां से चले जाता है और कैलाश अपने आप से कहता है, डैड ने मुझे इतनी रात को क्यों बुलाया है। अगर कैलाश के मन में उठ रहे सवाल आपके जहन में भी उठ रहे हैं तो जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम के साथ। ये कैलाश के जन्म लेने के कुछ दिनों बाद की बात है। राजा दक्ष तब जवान हुआ करते थे और उनकी वाइफ यानी कैलाश की माँ जिनका नाम निर्वा था अपने मायके जाने के लिए तैयार हो रही थी। राजा दक्ष अपने कमरे में आते हैं और निर्वा को तैयार देख कहते हैं, महारानी आप तैयार हैं। निर्वा कहती है, जी महाराज हम कैलाश को लेकर बस जाने वाले हैं, आपकी बड़ी याद आएगी। दक्ष थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, उनकी नजर पाले में खेल रहे कैलाश पर पड़ती है। कैलाश को देखते हुए दक्ष कहते हैं, मुझे भी आप दोनों की आशा आएगी, जितना जल्दी हो सके आप कैलाश को लेके वापस आ जाएं। निर्वा अपने पति की बेसब्री को समझ जाती है और कहती है,
आप फिक्र ना करें, हम जल्दी लौटेंगे। पापा भी हमारा वहाँ बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्हें भी कैलाश से मिलने का मन कर रहा है। अब उन्हें भी मैं ज्यादा दिन तक रोक नहीं सकती। दक्ष निर्वा से कहता है, मैं समझ सकता हूँ, बस अपना और कैलाश का ख्याल रखना। निर्वा दक्ष की तरफ प्रेम भरी निगाहों से देखती है और हाँ में अपना सिर हिलाती है। थोड़ी देर बाद निर्वा और कैलाश एक बड़ी सी कार में बैठे हैं, जिसके बाद उनका कई गाड़ियों का काफिला मल्लारी से निकल जाता है। यह काफिला घने जंगलों से होता हुआ निर्वा के पिता के गांव तक पहुंचता है। कुछ घंटे बीत जाने के बाद जब कैलाश और निर्वा का पहुंचने का समय हो गया और फिर भी दक्ष की अभी तक निर्वा से बात नहीं हो पाई थी, तभी एक गार्ड दक्ष के सामने भरी सभा में भागता हुआ आता है। उसकी सांसें फूली हुई थी और वो कुछ भी बोलने के लायक दिख नहीं रहा था। दक्ष उस गार्ड को देख के तुरंत अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं, क्या बात है, क्या खबर लाए हो? गार्ड कहता है, महाराज अभी तक महारानी अपने गांव नहीं पहुंची है और काफिले में किसी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैंने सबसे बात करने की कोशिश की पर कुछ जवाब नहीं आ रहा है। दक्ष अपने मंत्री से कहता है, पूरी सेना तैयार की जाए और जल्द से जल्द निर्वा कैलाश के पास पहुंचा जाए। जब दक्ष अपनी सेना के साथ निर्वा कैलाश को ढूंढता हुआ निकलता है तो उन्हें निर्वा का काफिला कुछ घंटे चलने के बाद ही दिखाई पड़ जाता है। उस काफिले को लूट लिया गया था और सभी गार्ड्स वहां मरे पड़े थे। निर्वा का कहीं भी नामो निशान नहीं था, तो ये नहीं बता सकता था कि ये काम किसी इंसान का है या फिर किसी दैत्य का। जिस तरह दक्ष के गार्ड के शवों का विभत्स अंजाम हुआ था, उसे देख के यही कहा जा सकता था कि वो शायद किसी दैत्य का ही काम था। पर अभी तक निर्वा कैलाश का कोई अता पता नहीं था। ऐसा दर्दनाक नजारा देख के दक्ष का पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। निर्वा कैलाश के साथ क्या हुआ होगा, दक्ष ये सोचने से भी डर रहे थे। उनके सैनिक चारों तरफ देखने लगते हैं। फिर थोड़ी शांति होने के बाद उन सभी को किसी बच्चे की रोने की आवाजें सुनाई देती है और कैलाश को एक बड़े से पेड़ के दरख्त में खोज लिया जाता है। कैलाश की बॉडी पर जो कपड़ा लपेटा गया था वो खून से सना हुआ था, पर उसे एक खरोच भी नहीं आई थी। उस पेड़ के पास की मिट्टी देख के ऐसा लग रहा था कि किसी को वहां से घसी के ले जाया गया हो। दक्ष उस निशान को देख के समझ जाता है कि हो ना हो ये निर्वा की बॉडी की है। उसी आदेश पर आसपास का सारा जंगल छान मारा जाता है, पर निर्वा उन्हें कहीं नहीं मिलती। दक्ष अपनी ध्यान शक्ति से भी निर्वा का पता लगाना चाहता है, पर उसकी हर कोशिश विफल होती है, जिसके बाद राजा दक्ष में बिन मां के नवजात बच्चे की जिम्मेदारी भी आ जाती है। दुख में डूबा दक्ष कई दिनों तक अपनी पत्नी के वियोग में सब कुछ भूल जाते हैं, पर फिर राजा की कभी ना खत्म होने वाली जिम्मेदारियां और छोटे से कैलाश के प्रति उनका प्यार निर्वा के दुख को थोड़ा कम करने में मदद करता है। पर उस इंसिडेंट के इतने सालों बाद भी राजा दक्ष अपनी पत्नी को भूल नहीं पाए थे। हमेशा दुख में निर्वा को याद करने वाले राजा दक्ष आज खुशी के मौके पर भी निर्वा की याद में खोए हुए थे। तभी उनका बेटा कैलाश वहां आता है, जिसके आने से दक्ष का ध्यान भंग होता है और वो कैलाश को देख के कहते हैं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था कैलाश, कहां चले गए थे तुम? कैलाश अपनी और नीरा की जंगल वाली मुलाकात के बारे में कैसे बता सकता था, इसलिए वो बात को टालते हुए कहता है, मैं तो बस यूं ही बाहर था। आज सुबह के दोनों के बाद पहली बार कैलाश और उसके पिता दक्ष एक दूसरे के साथ अकेले थे। कैलाश देखता है कि राजा उसे ही दिख रहे थे और वो थोड़े इमोशनल भी दिख रहे थे। कैलाश का दिल कहता है कि कहीं हो ना हो वो अपनी पत्नी को याद कर रहे होंगे। कैलाश पूछता है, क्या बात है डैड, आपको मॉम की याद आ रही है ना? दक्ष की स्माइल से कैलाश समझ जाता है। तभी दक्ष कैलाश से कहता है, आज मुझे निर्वा की बहुत याद आ रही है कैलाश, आज अगर वो होती तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। आज तुमने मुझे और अपनी माँ दोनों को बहुत प्राउड फील कराया है कैलाश। दक्ष कैलाश की ऐसी तारीफ शायद कम ही करते थे और कैलाश ने भी उन्हें ऐसा कोई खास मौका नहीं दिया था कि दक्ष अपने बेटे को सराहें, पर आज का दिन तो सबसे अनोखा था, तो दक्ष का अपने बेटे की खुलेआम तारीफ करना भी कोई अच्छी बात नहीं थी। दक्ष कैलाश से आगे कहता है, कैलाश देखो मुझे यह जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि तुम्हें यह बदलाव कैसे आया, हाँ पर मुझे इस बात की तसल्ली चाहिए कि आज जो शक्तियां तुम्हारे पास है वो जैसे आई है वैसे ही अचानक कहीं चली नहीं जाएंगी। दक्ष का सवाल वाजिब था, जिसके जवाब में कैलाश कहता है, डैड सच कहूं तो मैं नहीं जानता कि यह शक्तियां मेरे अंदर रहती हैं या फिर चली जाती हैं, पर अगर आप मेरी बात पर यकीन कर सकें तो मैं वो हर कोशिश करूंगा जिससे ये शक्तियां मेरे अंदर बढ़े ना कि कम होते हुए खत्म हो जाएं। तुमसे यही उम्मीद है मुझे, राजा दक्ष अपने बेटे से आगे कहते हैं, और मेरी ज्यादा दिनों तक अंगीरा पर राज करने की इच्छा नहीं है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी जगह ले लो। कैलाश बात बनाते हुए कहता है, डैड आपको मेरी जो सहायता चाहिए मैं हाजिर हूं, पर मुझे भी वक्त चाहिए, अंगीरा के राजा बनने का ना तो मेरे पास तजुर्बा है और ना ही मैं आपके जैसा लायक रूलर बन सकता हूं। ऐसा कहकर कैलाश अपने पिता की तरफ उम्मीद से देखता है। दक्ष भी अपने बेटे की नर्वसनेस देख के समझ जाते हैं कि कैलाश के ऊपर अभी से इतना जोर डालने से बात बिगड़ सकती है। वो आगे कहते हैं, ठीक है अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो यही सही है, पर मेरे काम में हाथ बढ़ाने के लिए तैयार हो, और इसी के चलते मेरे पास तुम्हारे लिए काम है जो तुम्हें कल सुबह ही करना होगा। कैलाश तुरंत पूछता है, आपके किसी भी काम को मैं मन लगा के पूरा करूंगा डैड, क्या काम है प्लीज मुझे बताइए। कैलाश दक्ष की तरफ देखता है जो वापस परखती हुई नजरों से कैलाश को देख रहे होते हैं। अभी सुबह जब नीरा बाजार में होती है तब उसके मोबाइल पे कैलाश का कॉल आता है। कैलाश का नाम पढ़ते ही नीरा खुश हो जाती है और कॉल रिसीव करके कहती है, हेलो। दूसरी तरफ से कैलाश की आवाज़ आती है, नीरा मैं डैड के काम से शहर से बाहर आया था, अगर तुम फ्री हो तो क्या मिल सकते हैं? नीरा कहती है, हाँ मिल सकते हैं, मैं मार्केट में थी, मेरा भी काम खत्म हो चुका है, अब मैं फ्री हूँ। ओह दैट्स ग्रेट, मैं अभी वहाँ तुमसे मिलता हूँ। कैलाश नीरा से कहता है और कॉल काट देता है। नीरा भी कल शाम की बात भूली नहीं थी, कैलाश से दोबारा मिलने की खुशी नीरा के अंदर साफ दिख रही थी। इधर महल में राजा दक्ष योगाभ्यास कर रहे थे और उस वक्त उनसे मिलने वालों की बड़ी सी भीड़ महल के हॉल में उनका वेट कर रही थी। सभी कंफ्यूज थे कि आज राजा दक्ष लंबे समय तक ध्यान क्यों कर रहे हैं, राय इतने समय तक दक्ष अपने काम में बिजी हो जाते थे, पर आज वो अपने कमरे में बंद हैं। कमरे के अंदर राजा ध्यान मुद्रा में बैठकर किसी और जगह का दृश्य देख रहे थे। सामंत योग के धनी राजा दक्ष अपने आसपास के कुछ किलोमीटर तक मल्लारी में कहीं भी अपनी शक्ति से देख सकते थे कि वहां क्या हो रहा है, और दक्ष आज अपने बेटे को फॉलो कर रहे थे। कैलाश की जानकारी के बिना दक्ष ये जानना चाहते थे कि आखिर कैलाश के जीवन में क्या घटित हुआ है। उन्हें यह पता था कि कैलाश से सीधा पूछने पर उस बात का जवाब नहीं मिलने वाला था, इसलिए उन्होंने कैलाश को कोई सरल सा काम दे दिया था और उसके जाते ही वो अपनी शक्ति का प्रयोग करके कैलाश को फॉलो करने लगते हैं। अभी तक उन्हें कोई सुराग नहीं मिला था और वो अभी भी कैलाश को अपने कमरे में बैठे देख रहे थे। उधर नीरा रेस्टोरेंट में बैठी कैलाश का वेट कर रही थी। यह वही रेस्टोरेंट था जहां वो दोनों अक्सर मिला करते थे। थोड़ी देर बाद कैलाश भी वहां आ जाता है। नीरा कैलाश को देख के खुश हो जाती है। कैलाश भी दरवाजे से ही नीरा को देख लेता है और सीधा उसकी तरफ आने लगता है। कैलाश वादा देख नीरा को अचानक कल शाम का वाक्या याद आ जाता है। नीरा को समझ नहीं आता है कि वो कैसे रिएक्ट करे। कैलाश के सामने आते ही नीरा अपनी चेयर से उठकर खड़ी होती है। दोनों कुछ देर के लिए एक दूसरे को देखते हैं। रेस्टोरेंट में उन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था। सुबह के समय प्राय ये जगह खाली हुआ करती थी और इसी वजह से कैलाश और नीरा यहाँ मिलना पसंद करते थे। दोनों में से कोई कुछ भी नहीं कह पाता। कैलाश ध्यान टेबल पर रखे एक बड़े से ब्रेकफास्ट मिलता है। कैलाश पूछता है, आज सुबह से तुमने इतना ऑर्डर किया, ये मेरी वजह से नहीं बल्कि तुम्हारे लिए है, नीरा जवाब देती है। कैलाश समझ नहीं पाता है और नीरा उसे रेस्टोरेंट के मालिक की तरफ इशारा करती है। कैलाश देखता है कि रेस्टोरेंट का मालिक कैलाश को देखकर बड़ी इज्जत से झुककर उसे नमस्ते करता है।
कैलाश कंफ्यूज होकर नीरा की तरफ देखता है तो नीरा कहती है, यह भी कल निकेत और तुम्हारी फाइट देखने स्टेडियम में आए थे, ये ब्रेकफास्ट उनकी तरफ से तुम्हें तोहफा है। कैलाश को हैरानी होती है, कल तक उस रेस्टोरेंट का मालिक कभी भी कैलाश के साथ इतने अच्छे से पेश नहीं आया था, पर आज उसका रंग बिल्कुल बदला हुआ था। कैलाश और नीरा अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं और नीरा पूछती है, सुबह सुबह तुम्हें गुरुजी ने किस काम से भेजा था? कैलाश नीरा से कहता है, काम तो बड़ा आसान था, ऐसा काम तो डैड किसी भी गार्ड को कह के कर सकते थे, मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने खास मुझे क्यों भेजा उस काम के लिए। नीरा भी कैलाश की बात समझ नहीं पाती, कैलाश सोच में डूबा हुआ था और उसे देखकर नीरा कहती है, किस सोच में डूबे, कि ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है, लेट्स हैव इट। कैलाश अपने ख्यालों से बाहर आता है और नीरा को देख के कहता है, या राइट, आई थिंक मैं कुछ ज्यादा सोच रहा हूं। क्या कैलाश जरूरत से ज्यादा सोच रहा था, या फिर कोई ऐसी बात थी जो कैलाश को समझ नहीं आ रही थी? और क्या राजा दक्ष का प्लान कामयाब होगा? क्या वो अपने बेटे की शक्तियों का राज पता लगा पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम के साथ। नीरा कैलाश ब्रेकफास्ट खत्म करते हैं। कैलाश नीरा को देख के कहता है, नीरा मुझे कुछ कहना है। नीरा लास्ट बाइट लेने ही वाली होती है और बीच में रुक जाती है, उसका ध्यान अब कैलाश पर होता है। वो कहती है, क्या कहना था कैलाश? नीरा देखती है कैलाश थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था, जो भी उसके मन में था उसे कहने में उसे थोड़ी मुश्किल हो रही थी। नीरा समझ जाती है कि कैलाश कल शाम के बारे में सोच रहा है। नीरा कैलाश से कहती है, कैलाश आई डिडंट माइंड। कैलाश नीरा की बात समझ नहीं पाता है और नीरा की आंखों में देखता है। नीरा उसे ही देख रही थी, उसने अपना लास्ट बाइट ले लिया था और अब वो कैलाश को देख के मुस्कुरा रही थी। कैलाश कंफ्यूज होकर कहता है, मैं कुछ समझा नहीं, हाउ डम समटाइम्स कैन दिस गाइस बी। नीरा के मन में ये ख्याल आता है और वो कैलाश से कहती है, कैलाश कल जो हुआ शाम को हमारे बीच, आई डिडंट माइंड। यू डिड नॉट माइंड, मतलब क्या हम दोबारा भी? कैलाश नीरा से पूछता है। नीरा कैलाश के सवाल का जवाब हंस के देती है, आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। कैलाश रिप्लाई करते हुए कहता है, तुम भी कह रही हो, कुछ भी हो सकता है। दोनों का ब्रेकफास्ट खत्म हो चुका था और अब दोनों अपनी जगह से उठकर रेस्टोरेंट से बाहर की ओर निकलने लगते हैं। नीरा सीधा बाहर दरवाजे की ओर चली जाती है और कैलाश पेमेंट करने के लिए काउंटर पर जाकर पूछता है, कितना पेमेंट करना है सर? मालिक कहता है, कैलाश जी आपका ब्रेकफास्ट मेरी तरफ से था, आपको कल देख के हम सब सरप्राइज थे, आपको देख के हमें बहुत अच्छा लगा, आप प्लीज यूं ही हमारे रेस्टोरेंट आते रहिएगा, अब तो आप उस दिनों में शायद अंगिरा के राजा बन जाएंगे। कैलाश जवाब में कहता है, ब्रेकफास्ट के लिए शुक्रिया, पर मेरा इतनी जल्दी अपने पिता की जगह लेने का कोई इरादा नहीं है। इस पर रेस्टोरेंट का मालिक कहता है, कोई बात नहीं सर, आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, हमारे रेस्टोरेंट आना बंद मत कीजिएगा। ऐसा कहकर वो अपना मोबाइल निकालता है और कहता है, इफ यू डोंट माइंड कैन आई हैव अ सेल्फी विद यू, ये मेरे बच्चों के लिए, आप तो उनके हीरो बन चुके हैं। ये सुनकर कैलाश कहता है, हाँ जरूर। और कैलाश उस रेस्टोरेंट ओनर के साथ सेल्फी ले रहा होता है जब उस रेस्टोरेंट की बड़ी सी खिड़की का कांच फूटने की आवाज पूरे सिटिंग एरिया में गूंज जाती है। कैलाश के ऊपर कांच के छोटे छोटे टुकड़ों की बौछार सी होती है और कैलाश देखता है कि उनके साथ नीरा भी हवा में रेस्टोरेंट के अंदर आ चुकी थी, जैसे उसे किसी ने फेंक दिया हो। कैलाश दौड़ता हुआ नीरा को जमीन पर गिरने से बचाता है। नीरा के माथे पर हल्का सकट दिख रहा होता है जहां से थोड़ा खून भी बह रहा था। कैलाश चिंता में नीरा के चेहरे से बाल हटाते हुए कहता है, नीरा तुम ठीक हो? नीरा जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी वो अब अपनी आंखें खोलती है और अपने आप को कैलाश की बाहों में महफूस पाकर नीरा कहती है, हाँ कैलाश मैं ठीक हूँ। कैलाश बाहर देखते हुए पूछता है, किसने किया ये? नीरा के लिए उसकी चिंता अब गुस्से में बदल रही थी। नीरा की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। कैलाश नीरा को देखते हुए दोबारा सवाल करता है, नीरा क्या हो रहा है, किसने किया तुम्हारे साथ? इससे पहले कि नीरा कुछ कह सके कैलाश को एक पुकार सुनाई देती है, कैलाश अंदर छुपा रहेगा या बाहर आके मेरा सामना भी करेगा? यह आवाज किसी और की नहीं तक्ष की थी, जिसे कैलाश ने पहचान लिया था। कैलाश धीरे से नीरा को जमीन पर उतारता है। नीरा के चेहरे पर घबराहट साफ दिखने लगी थी। अभी कुछ देर पहले की बात है जब कैलाश पेमेंट काउंटर की ओर भरा था और नीरा बाहर आके अपना स्कूटर स्टार्ट करने की तैयारी में थी, तभी तक्ष वहां जाता है और कहता है, अकेले ही हो या फिर अपने उस दोस्त के साथ आई थी? नीरा मुड़कर देखती है और तक्ष और उसके दोस्तों को वहां खड़ा पाती है। तक्ष की लालची आंखें नीरा को ही देख रही थी। नीरा कोई जवाब नहीं देती और जल्दी जल्दी अपना स्कूटर स्टार्ट करने लगी है। तक्ष उसके रास्ते में आके खड़ा हो जाता है तो नीरा कहती है, तक्ष मेरा रास्ता छोड़ो, नहीं तो ठीक नहीं होगा, चले दो मुझे। तक्ष अपना हाथ नीरा के हाथ पर रख देता है जो नीरा को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। ये देखकर तक्ष कहता है, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, बताओ कैलाश कहाँ है? नीरा अब क्रोध के वश में आके कह उठी है, कैलाश तुम्हारी औकात से कहीं ऊपर है जहां तुम कभी नहीं पहुंच सकते। नीरा की बातें तक्ष के दिल में किसी खोलते हुए जहर की तरह उतरती है और गुस्से में नीरा को जोर का पंच मार देता है। पंच के फोर्स से नीरा की बॉडी हवा में उड़ती हुई रेस्टोरेंट के कांच को चकनाचूर करते हुए अंदर चली जाती है। तक्ष भाई कैलाश के आने का वेट करता है, उसे पता था कि कैलाश भी रेस्टोरेंट में मौजूद था। कैलाश अब बाहर जाने लगता है और नीरा उसका हाथ पकड़ के कहती है, कैलाश जाने दो प्लीज। कैलाश नीरा को देख के कहता है, उसने तुम्हें चोट पहुंचाई नीरा, उसका हिसाब उसे देना ही होगा। नीरा कैलाश का हाथ नहीं छोड़ना चाहती है, वो डर गई थी कि कहीं कैलाश को तक्ष और उसके गुंडे फिर से पहले की तरह ना मारे, वो ऐसा नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए वो कैलाश के हाथों पे अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहती है, कैलाश मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। कैलाश का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, वो नीरा से पहली बार सीरियस होते हुए कहता है, मेरा हाथ छोड़ नीरा। कैलाश के ऐसा कहते ही नीरा की पकड़ अपने आप ही ढीली हो जाती है और कैलाश बाहर निकल जाता है। रेस्टोरेंट ओनर जो कि अपने आप को काउंटर के नीचे छुपाए हुए था अब झांक के बाहर देखने की कोशिश करता है, वो भी नीरा की तरह डरा हुआ था इसलिए उसने छुपे रहने में ही अपनी भलाई समझी, पर नीरा ठीक उसे उलट कैलाश के पीछे भागती है। कैलाश अब बाहर आ गया था और तक्ष और उसके साथियों को घूर के देख रहा था। नीरा भी बाहर आ जाती है और कैलाश से कहती है, कैलाश बाहर बढ़ने से कोई फायदा नहीं है, प्लीज चलो यहाँ से। बाहर अब भीड़ जमा हो चुकी थी। नीरा कैलाश के करीब खड़े होकर तक्ष की तरफ देख रही थी, आसपास से गुजर रहे लोग वहीं रुक के कैलाश को देख रहे थे, वहीं कैलाश सिर्फ तक्ष को घूर रहा था। तक्ष भी कैलाश की आंखों में आग डाल के कहता है, वेलकम बैक कैलाश। कैलाश जानता था कि तक्ष को आपने किए हुए ना तो शर्मिंदगी थी और ना ही वो ये बात कहने से डरेगा कि उसने उसके साथ क्या किया था। कैलाश नहीं चाहता था कि वो बात किसी और को पता चले, इसलिए कैलाश तक्ष को उकसाते हुए कहता है, मुझे लगा था कि तू कमजोर हो गया है, मेरा मतलब है मुझे सिर्फ शक था, पर नीरा पे हाथ उठा के तूने मेरे शक को यकीन में बदल दिया है, तू जैसा डरपोक कायर पूरे अंगिरा में ढूंढने से नहीं मिलेगा, जो सारे शहर में अपनी पावर का शो ऑफ करता घूमता है और फिर उसी पावर का इस्तेमाल किसी लड़की के ऊपर करता है, अगर तुझमें सच में हिम्मत होती तो नीरा पे हाथ उठाने के बजाय तू सीधा मुझसे बात करता। तक्ष कैलाश की बात सुनकर गुस्से में तो था पर वो समझना चाहता था कि कैलाश में आखिर क्या बदलाव आए हैं जिसे उसने मार के अंधी खाई में फेंका था, उसका वापस आ जाना कोई आम बात तो थी नहीं, इसलिए तक्ष हंसते हुए कैलाश से कहता है, तुझे पे हाथ उठाना और नीरा से लड़ने में बहुत अंतर है और ये बात पूरा शहर देख चुका है, अपने भाई को हरा के पूरे शहर को तू बेवकूफ बना सकता है पर मुझे नहीं, तुम देवकुल वालों को क्या लगता है, मुझे नहीं पता तुम्हारे घर में क्या चल रहा है।
लक्ष्य की आवाज काफी तेज हो चुकी थी। अब वो सिर्फ कैलाश से बात नहीं कर रहा था बल्कि वहां जमा पूरी भीड़ से बात कर रहा था। वो आगे कहता है, निकेत राजा दक्ष की संतान नहीं है और वो उसे कभी भी अपनी जगह नहीं देंगे। तो उन्होंने पूरे अंधेरा की जनता के सामने एक खेल रचा, अपने बेटे को सबकी नजर में हीरो बनाने के लिए अपने भतीजे की बलि करा दी। वो द्वंद वो फाइट जो आप लोगों के सामने रखी गई थी वो बस राजा दक्ष का एक दिखावा था, धोखा था बस और कुछ नहीं। दक्ष की बातें पूरी भीड़ सुन रही थी और अब लोग आपस में धीमी आवाज में बात करने लगे थे। उनके चेहरे पर शक और कंफ्यूजन साफ दिख रहा था। तभी दक्ष आगे कहता है, वेद कुल के लोगों ने हमेशा आप लोगों के साथ धोखा दिया है, जिन्हें आप लोगों ने इतनी इज्जत दी, इतना सम्मान दिया, असल में ये लोग उसके काबिल ही नहीं। दक्ष ने अपने इस नाकारा बेटे को इस लड़ाई में झूठी जीत दिला के यही साबित किया है। पर आप लोग बताइए, क्या ये कैलाश जिसके पास आज तक कोई शक्ति नहीं थी अचानक कैसे अपने से ज्यादा पावरफुल भाई को हरा सकता था? कहीं ना कहीं दाल में काला जरूर है। कैलाश और नीरा देखते हैं कि दक्ष की कई बातें लोगों के दिलों में चक के बीज हो चुकी थी। अब सभी यही सोच रहे थे कि क्या वाकई में उनके राजा दक्ष ने उनके साथ कोई बहुत बड़ा धोखा दिया है। उनको अपने राजा पे शक करता देख कैलाश का खून खौल उठा है। नीरा भी अब चाहती थी कि कैलाश कुछ करे। कैलाश आगे बढ़ता है और दक्ष से कहता है, तो इस बात का फैसला कैसे होगा कि मैंने ये लड़ाई खुद के दम पे जीती है? मैं तुम्हारे किसी भी चैलेंज के लिए तैयार हूँ। राजा दक्ष ये बेटा ऐलान करता है कि आज मेरे सामने जो भी चैलेंज बनकर आएगा मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ, और अगर मेरी यहाँ हार होती है तो मैं ये शहर छोड़ के चला जाऊंगा कभी ना लौटने के लिए। नीरा को कैलाश की बातें डरा देती है। वो जानती थी कि दक्ष निकेत से कहीं ज्यादा ताकतवर था और उसका साथ देने के लिए उसके कई गुंडे दक्ष के साथ थे। कैलाश उन सभी का सामना अकेले कैसे करेगा? कैलाश देखता है कि उसकी बातों से लोग सहमत हो रहे थे। तभी दक्ष कहता है, तो फिर तुम हमें हरा के दिखाओ। इस पर कैलाश फौरन कहता है, मैं तैयार हूँ। ऐसा कहकर कैलाश रोड के बीच में आके खड़ा हो जाता है। अब पूरे मार्केट की भीड़ वहां जमा हो चुकी थी। सभी कैलाश की शक्ति देखना चाहते थे। वो जानना चाहते थे कि क्या वाकई कैलाश की पावर बढ़ गई थी या फिर उनके राजा ने उत्तरों में शहर और अंगीरा की जनता के साथ इमोशनल खिलवाड़ किया था, उन्हें अंधेरे में रखने की कोशिश की थी। ऐसा नहीं था कि मल्लारी की जनता बाघ कुल के लोगों को पसंद करती थी। जनता का झुकाव हमेशा ही राजा दक्ष की तरफ रहा था और यही कारण था कि दक्ष कैलाश और दक्ष से नफरत किया करता था। और आज दक्ष ये तय करके आया था कि जो काम उसने अधूरा छोड़ा था वो काम आज पूरे शहर के सामने खत्म करेगा। कैलाश को सबके सामने जान से मारकर वो अपनी हुकूमत का ऐलान करने जा रहा था। क्या दक्ष और उसके साथी गुंडे कैलाश को हरा पाएंगे या फिर वो सरेआम नीरा और मल्लारी की जनता के सामने कैलाश को जान से मार देंगे? क्या राजा दक्ष दूर बैठे बस ऐसा होते देखते रह जाएंगे या फिर कैलाश की शक्ति इस बार दक्ष को बराबरी से जवाब देगी? क्या कैलाश और दक्ष के बीच की भिड़ंत आगाज थी एक और बड़ी लड़ाई की जिसका अंदाजा लगा पाना वहां मौजूद किसी के बस की बात नहीं थी? कैलाश की रोमांचक कहानी में क्या होगा अगला ट्विस्ट, जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम के साथ। दक्ष अभी ध्यान मुद्रा में लीन थे, वहां बैठे वो सब कुछ देख पा रहे थे जिनका सामना उसका बेटा कैलाश कर रहा था। उनकी बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं थी, इसका मतलब यही था कि राजा दक्ष कहीं जाने नहीं वाले थे। वो देखना चाहते थे कि कैलाश और दक्ष की लड़ाई में कौन जीता है। कैलाश ने अपने आप को लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया था। दक्ष और उसके साथी भी उस पर टूट पड़ने के लिए आतुर दिख रहे थे। नीरा भाग के कैलाश के साथ खड़ी हो जाती है, वो भी कैलाश का इस लड़ाई में साथ देना चाहती थी। दक्ष कैलाश को टॉन्ट मारते हुए कहता है, क्यों कैलाश, नीरा के साथ की जरूरत पड़ी गई ना तुझे? इसका तो यही मतलब है कि खुद तेरी दोस्तों तुझ पर विश्वास नहीं है। देख रहे हो अंगीरा के वासियों, ये है तुम्हारा होने वाला अगला राजा। ये सुनकर कैलाश नीरा से कहता है, नीरा ये मेरी लड़ाई है और मुझे अकेली इसका सामना करना है, तुम पीछे जाओ। नीरा प्रोटेस्ट करते हुए कहती है, पर कैलाश वो लोग बहुत हैं, ये लड़ाई कहीं से भी बराबरी की नहीं है, तुम्हें देखने आए? इस पर कैलाश नीरा से कहता है, नीरा प्लीज मेरी बात मानो और पीछे जाओ, ये डैड के ऊपर लोगों के विश्वास का सवाल है। अगर मैंने तुम्हारा साथ दिया तो जीतने के बाद भी लोग डैड के लिए निर्णय पर सवाल उठाते रहेंगे, मुझे ये लड़ाई अकेले जीतनी होगी बिना किसी के साथ के। नीरा अभी भी कन्विंस नहीं थी, वो कैलाश से कहती है, लेकिन कैलाश तुम अकेले? नीरा मुझे भरोसा रखो प्लीज पीछे जाओ। कैलाश नीरा की बात बीच में काटते हुए कहता है। नीरा हार के कैलाश से दूर हट जाती है और वो जाते हुए कैलाश से कहती है, बेस्ट ऑफ कैलाश। नीरा दूर हो चुकी थी, लोगों की भीड़ कई गुना बढ़ गई थी और मैदान लड़ाई के लिए तैयार हो चुका था। दक्ष के 10 आदमी उसके साथ थे। दक्ष कहता है, तुम्हारे लिए मेरा कोई भी एक आदमी काफी है कैलाश, तो मेरे साथ खड़े लोगों में से किसी को भी तुम चुन सकते हो और सिर्फ वही तुमसे लड़ने आगे बढ़ेगा। कैलाश तेज आवाज बोलता है, दक्ष मैं तैयार हूँ, आप चाहे एक एक करके आओ या फिर सब एक साथ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मन ही मन नीरा गहरी चिंता में डूबी हुई थी, उसे डर था कि कहीं कैलाश दक्ष से हार ना जाए। दक्ष अपने एक आदमी को आगे बढ़ने के लिए इशारा करता है, इशारा मिलते ही वो आदमी कैलाश पर किसी शेर की तरह अटैक कर देता है। कैलाश उस आदमी को हवा में ही रोक देता है और इससे पहले कि वो आदमी कुछ समझ पाता उसके हाथों की हड्डियां कैलाश के मजबूत पंजों के घुमाव से टूट जाती है और जब वो दोनों हवा से जमीन पर लैंड करते हैं तब कैलाश का पैर उस आदमी के ऊपर होता है जो अब दर्द के मारे कराता हुआ जमीन पर बिक चुका था। ये नजारा ऐसा लग रहा था जैसे कैलाश ने उसे हवा में उड़े कागज की तरह अपने पैरों तले दबाए रखा था। कैलाश को ऐसा करने में 3 सेकंड से भी कम टाइम लगता है और वहां खड़े कई लोग समझ नहीं पाते कि ऐसा क्या हुआ कि आदमी कैलाश के पैरों के नीचे दर्द से चिल्ला रहा था। उसकी चीख पूरे इलाके में दूर दूर तक सुनी जा सकती थी। ये नजारा देख के लोगों का दिल दहल जाता है, पर कैलाश के चेहरे की स्माइल नीरा को दिखाई देती है जिसे देखकर नीरा निश्चिंत हो जाती है। उसे लगने लगता है कि दक्ष के आदमी कैलाश के सामने कुछ नहीं है, जमीन पर पड़ा हुआ आदमी अपने पैरों से उठने की कोशिश कर रहा होता है पर कैलाश के पैर का दबाव उसे हिलने की इजाजत नहीं दे रहा था। उसकी चीख अब कैलाश को डिस्टर्ब कर रही थी और कैलाश झुक के अपने एक हाथ से उस आदमी के बाल पकड़ता है और उसके चेहरे पे अपने दूसरे हाथ से पंच मारता है जिसके तुरंत बाद सब शांत हो जाता है। दक्ष का एक प्यादा बेहोश हो चुका था। उसके बेहोश होते ही कैलाश दक्ष की तरफ देखता है और आगे आकर कहता है, अभी भी एक एक आओगे मेरा सामना करने के लिए? कैलाश को अपने सामने खड़ा देखकर दक्ष के साथी अब थोड़ा घबराए हुए दिख रहे थे। अपने साथी का हाल देख के थोड़े थोड़े ही सही पर उन सबके कदम अब पीछे होने लगे थे। दक्ष की नजर उन पर पड़ती है, उसके क्रोध की कोई सीमा नहीं थी लेकिन उसे इतना तो समझ आ चुका था कि कैलाश के सामने उसके एक आदमी के अकेले जीत पाने के चांसेस कम थे, इस तरह से वो लोग उसे जीत नहीं पाएंगे और अंत में दक्ष को ही कैलाश को हराने का काम करना पड़ेगा। दक्ष चाहता था कि कैलाश को उसके शागिर्दों से ही धूल चढ़ाई जाए ताकि लोगों को यह दिखाया जा सके कि कैलाश अभी भी कमजोर इंसान ही था। दक्ष अपने बचे हुए 9 साथियों में से 2 को आक्रमण के आदेश देता है। अपने सरदार का ऑर्डर मिलते ही वो दोनों चीते की स्पीड से कैलाश के ऊपर अटैक करते हैं। उनके चेहरे का डर फाटा हो चुका था, उन्हें देख के बस ऐसा लग रहा था क्योंकि लाइफ का एक ही उद्देश्य था और वो था कैलाश की मौत। उन दोनों की फिजिक किसी बॉडी बिल्डर से कम नहीं थी जिससे उनकी ताकत का अंदाजा लगा पाना कोई बड़ी बात नहीं थी। कैलाश का दुबला पतला शरीर उनके मुकाबले छोटा सा नजर आ रहा था। अपने ऊपर 2 बड़े बड़े सांड नुमा गुंडों को आधा देखकर कैलाश को अपनी स्पीड का सहारा लेना पड़ता है और इससे पहले कि दक्ष के गुंडे कैलाश के पास आ पाते कैलाश ने अपने आप को उनसे काफी दूर कर लिया था और उसकी स्पीड इंसानों जैसी बिल्कुल भी नहीं थी।
किसी की आंखों में यह बात रजिस्टर नहीं हो पाई थी कि कैलाश अपनी जगह से हट चुका था। तक्ष के दोनों आदमी एक दूसरे को देखते हैं, मानो वो कंफ्यूज हो कि कैलाश कहां चला गया, और कैलाश कुछ कदम पीछे खड़ा उनके पलटने का वेट कर रहा था। तक्ष ने कैलाश की स्पीड देख ली थी, उसे समझ आ गया था कि कैलाश की पावर चमत्कारी रूप से भर चुकी थी। बहरहाल जैसे ही उसके आदमी पलट के कैलाश को देखते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कैलाश के दो जोरदार पावरफुल पंच दोनों के चेहरों पर पड़ते हैं और तक्ष की आंखों के सामने उसके साथी हवा में उठते दिखाई देते हैं और पास खड़ी बड़ी सी तक्ष की कार के बोनट पर जाके गिरते हैं। उनके भारी भरकम शरीर के टकराने से कार के कांच फूट जाते हैं, जिसे देख के तक्ष का खून खौल उठता है। कैलाश की फाइटिंग स्किल्स देख के वहां खड़े लोग तालियां बजाने लगते हैं। जब तक्ष के दोनों गुंडे लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़े होते हैं, तो उन्हें कुछ भी सीधा और साफ दिखाई नहीं दे रहा होता है। कैलाश अब तक्ष के आदमियों के और करीब आके खड़ा हो जाता है। तक्ष देखता है कि उसके वो दोनों आदमी अब लड़ने के लायक नहीं बचे थे और उसके देखते देखते दोनों बेहोश होकर गिर जाते हैं। नीरा को यह सब देख के बड़ा मजा आ रहा था। कैलाश तक्ष से कहता है, अगर ऐसे लड़ना है तो एक बात तो है, मैं तेरी छोटी सी फौज को यहीं खत्म कर दूंगा। कैलाश की बातों से तक्ष के मन में सांप लौट जाते हैं। वो चिल्लाता हुआ अपने सारे आदमियों से कहता है, तोड़ डालो उसकी सारी हड्डियां और मुझे इसका गला लाके दो, अभी इसी वक्त, जो भी करना पड़े करो, पर आज ये यहां से जिंदा नहीं जाना चाहिए। कैलाश देखता है कि तक्ष का ऑर्डर सुनते ही उसके आदमी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, पर अब तो उन सबके हाथों में धारदार हथियार भी आ चुके थे। तक्ष अपने हाथों को बांधे हुए कैलाश की मौत का वेट करने लगता है। उसे विश्वास था कि उसके आदमी अब कैलाश को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नीरा देखती है कि कैलाश पूरी तरह से आउट नंबर था और उसके दुश्मनों के हाथों में खतरनाक हथियार थे। कैलाश उनके बीच निहत्था खड़ा था। नीरा देखती है कि कैलाश के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, उसका चेहरा मानो किसी कैलकुलेशन में भी था। क्या सोच रहा था कैलाश, नीरा के मन में सवाल उठता है। अपने हथियारों को कैलाश के सामने घुमाते हुए तक्ष के आदमी उसके चारों ओर घूम रहे थे। कैलाश एक एक की चाल पड़ रहा था, किसी भी दिशा से अटैक को काउंटर करने के लिए एकदम तैयार। कैलाश अचानक आगे दौड़ता हुआ बचे हुए सात लोगों में से एक को अपने पंजों की गिरफ्त में लेता हुआ आगे बढ़ता है। कैलाश उस आदमी को कुछ दूर जमीन पे घसीटता हुआ उसके साथियों से दूर कर देता है, और इससे पहले कि वो सब उस तक पहुंच पाते, कैलाश उस आदमी को कई जगह चोट पहुंचा चुका था और अब उसे किसी बेकार चीज की तरह दूर फेंक चुका था। तक्ष देखता है कि उसके ही एक आदमी की बॉडी उसकी तरफ तेजी से आ रही थी। तक्ष बिना समय गवाए अपने लोहे जैसे हाथ ऊपर कर लेता है, जिसमें उस आदमी की बॉडी आगे टकराती है और किसी पके हुए फल की तरह जमीन पे गिर जाती है। तक्ष का चौथा आदमी उसके ही पैरों के सामने बुरी तरह जख्मी होकर बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। कैलाश के पीछे भाग रहे लोग अचानक उसे देख के रुक जाते हैं। वो देखते हैं कि उनके बेहोश साथी हथियार अब कैलाश के हाथों में है। जब निहत्था कैलाश इतना खतरनाक हो सकता था, तो फिर हथियार के साथ कैलाश को हरा पाना उनके बस की बात नहीं थी। कैलाश देखता है कि तक्ष के सारे साथी डर के मारे कांप रहे थे। अब मात्र छह गुंडे बचे थे जो आगे नहीं बढ़ रहे थे, और जब कैलाश अपने कदम उनकी ओर बढ़ाता है, तो वो डर के मारे उससे दूरी बनाए रखने की कोशिश करते हैं। कैलाश हंसता हुआ तक्ष की तरफ देख रहा था। इन बेचारों की बलि क्यों चढ़ाना चाहते हो तक्ष, हिम्मत है तो आजा सामने मैदान में। कैलाश की नजर तक्ष पर टिकी थी और बचे हुए छह आदमियों में से एक इसे मौका समझ के कैलाश के ऊपर बिना आवाज किए हमला कर देता है। उसे देखकर नीरा की चीख निकल जाती है, कैलाश संभालो। कैलाश तक्ष की तरफ देख जरूर रहा था, पर उसका पूरा ध्यान उसके साथियों पर भी था। तक्ष का आदमी कैलाश का गला काटने के उद्देश्य से अपने हथियार को हवा में तेजी से घुमा देता है, पर कैलाश उसके लिए पहले से ही तैयार था। इससे पहले कि वो हथियार की धार कैलाश के गले तक पहुंच पाती, कैलाश वहां से हट चुका था और वो जानलेवा वार हवा में ही जाया चला जाता है। पर इससे पहले कि वो आदमी कैलाश को देख भी पाता, कैलाश ने उसे ही छीने हुए हथियार से इस आदमी का हाथ अलग कर दिया था। जब वो आदमी जमीन पर गिरता है, तो जिस हाथ से उस आदमी ने हथियार पकड़ा था, वो उसकी आंखों के सामने आके गिरता है। दर्द और डर से उस आदमी की चीख वहां खड़े सभी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। नीरा की आंखें भी फटी की फटी रह जाती है। ऐसा नजारा किसी कमजोर दिल वाले इंसान के देखने योग्य नहीं था। खून के फुहारे के सामने खड़ा हुआ कैलाश अब बस तक्ष की तरफ देख रहा था। अब तक्ष के सारे आदमी भी कैलाश से दूर भाग रहे थे, तो क्या होगा इसके आगे? एक बात तो तय थी, कैलाश ने इस लड़ाई में साइकोलॉजिकल लेवल पर जीत हासिल कर ली थी, क्योंकि तक्ष के सारे शागिर्दों को अपनी जान की चिंता होने लगी थी। अब वो कैलाश से डर के भागने लगे थे, पर अभी भी कैलाश के सामने खड़ा था तक्ष, वही तक्ष जिसने कुछ दिनों पहले ही उसे जान से मार गिराया था। तो कैसी होगी कैलाश और तक्ष की ये फाइट? या दोनों में से किसी एक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा, या फिर इस लड़ाई से जन्म लेगा एक ऐसा परिणाम जिसे संभाल पाना कैलाश के बस के बाहर होगा? कैलाश की रोमांचक कहानी में क्या होगा अगला ट्विस्ट, जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम के साथ।